चलिए धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता, इसलिए इसका नाम ही धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब होता है धूम धूम करो तेरी तू धुंधुकारी, जो जीवन को दुख दुख मय कर दे। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, इसने अपना पिताजी को उसने इतने सताया, इतने सताया पिताजी को, लास्ट में पिताजी घर छोड़कर भाग गए। फिर मैया को उसने इतने पिटाई की, मैया को मैया कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या की। फिर घर में उसने छह छह बेसिया को बुला करके रखा। फिर राज दरबार में डाकू डाला तो बेसिया ने क्या की, इसको राता रात मार करके मुंह में अंगार को डाल करके उसको घर में गड्ढे खोद करके डाल दी और बेसिया ने भाग गई और ये बन गया प्रतापमा। जब गोकर्ण ने इसके नाम पर गया, मैं पिंड देने के लिए गया और पिंड दे करके जब घर में वापस आता है, फिर देखता है वो फिर प्रेत बन करके बैठा हुआ। बोले भैया तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दे दिया, तेरे को उधार नहीं हुआ। कहते भैया मैंने इतने पाप कर्म किया है, इतने पाप कर्म किया, मेरे नाम पर गया में अगर 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, पिता माता मरने के बाद हम सबके सब गया में जाकर के पिंड प्रदान करते हैं, क्योंकि गया में भगवान नारायण का गदा धरता, वहां पर चरण चिन्ह है। ठाकुर खुद बताए अगर कोई गया में आकर के पितृपुरुषों को उद्देश्य में पिंड प्रदान करे, उसको पाप योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन पिंड देने का बाद देखा फिर उपरीत करके फिर बैठा हुआ, बोले तेरे मुक्ति नहीं हुई। बोले मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे तेरे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की मेरी भैया की मुक्ति कैसे होगी, बोले ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण कराओ। ये भागवत कथा की इतने महिमा श्रीमद भागवत कथा की, कहते पापी से अगर पापी भी क्यों नहीं हो, अगर कोई कथा को सुने भागवत कथा, उसको संसार से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गोकर्ण को जब उन्होंने 7 कांड का बांस को गाड़ करके जब पहला दिन कथा सुनी, 1 कांड फट गई, दूसरे दिन कथा सुनाए तो दूसरे कांड फट गए, और 7वां दिन में उसका 7 कांड फट गया और उसने बड़ी सुंदर भगवान की भक्त का रूप धारण करते हुए, चतुर्भुज रूप धारण करते हुए वैकुंठ से विमान आया, रथ आया और रथ में बैठ कर उसने भगवत लोक को उन्होंने गमन किया। मतलब ये भागवत कथा की इतने महिमा, जिसको कहीं भी उद्धार नहीं होता है, आत्मा अगर जिसको भटकता हुआ हो ये भागवत कथा सुना दो, जरूर उसको संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इसी अगर कोई मरे हुए प्रेत आत्मा की अगर मुक्ति हो सकती, पर अगर जिंदे हम कथा सुने तो हमें नहीं होगी गलतियाँ, तो जरूर तुम्हारी संसार से उद्धार होगा ही, और जरूर आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, हमारी आत्मा को शांति। इसलिए ये भागवत कथा की बड़ी बड़ी महिमा श्रीमद भागवत कथा की। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए कहते जो श्रीमद भागवत कथा, किंतु जब उन्होंने कथा सुनाए, कथा सुनाते समय वहां पर तो बहुत लोग बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन जब रथ आया केवल एक ही रथ वहां आया था। इतने में गोकर्ण ने फिर प्रश्न करते हैं, बोले यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन एक ही रथ क्यों आया। बोले देखो कथा तो सुनी सब लोगों ने, लेकिन ये धुंधुकारी ने जैसे मन लगा कर कथा सुना, जैसे उसको मनन किया है ना, और यहाँ पर जो कथा सुन रहे हैं ये कथा को सही सही किसी ने चिंतन नहीं किया और जीवन में उसने किसी ने उतारा नहीं, इसलिए केवल रथ एक आया। तब बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, नियम बताए। बोले विश्वास गुरु वाक्य सुन, स्वस्मिन दिनत्व भावनम, मान दोष दयस्ते साम कथायाम निश्चलंगमति। देखो यहाँ पर कहते हैं कथा हमें कैसे सुननी चाहिए,
पहला नंबर है बोले विश्वास गुरु वाक्यसु। पहले गुरु जी के वाक्यों के ऊपर में विश्वास होनी चाहिए, पहले इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हमारी विश्वास होनी चाहिए। अगर जब तक विश्वास नहीं होगा ना, कथा सुनने पर भी आपको फल नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचे अरे ये पंडित लोग ने पेट पालने के लिए इसे कहानी बना दिया, फिर तो कथा सुनने का आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन देखो जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कितना साल पढ़ता है, जिस सीए करने के लिए इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है, समझो कम से कम 25 साल लग जाती है। लेकिन कोई नौकरी मिलेगी कोई गारंटी है क्या उसको? कोई गारंटी है? कितने डॉक्टर घूम रहे हैं, कितने इंजीनियर घूम रहे हैं। लेकिन वो बच्चा नौकरी मिलेगा मुझे इसलिए 25 साल तक उसने पढ़ाई करता है, 25 साल तक पढ़ाई करता है, जाकर फिर कहीं नौकरी मिलता है तब भी नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा लेता है। लेकिन पैसा कमा कर क्या सुखी हो जाता है? इसको पूछ लो सुखी संसार में तुम दुखी दुखी है। जब इसी के लिए तुम इतने परिश्रम करते हो, जिन भगवान को प्राप्त करने से तुम्हें ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए छुटकारा मिल जाएगी, और जिन जिनियों ने ये भागवत कथा सुने हैं, भगवत भक्ति मार्ग को अपनाया है, वो सबके सब सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें कोई फेल नहीं हुए हैं। देखो ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद को देखो, अम्बरीश महाराज को देखो, हमारे प्रभुपाद को देखो, गौर किशोर जगन्नाथ, इनकी सारी गुरु परंपरा को देखो, जिन जिनियों ने भगवत भक्ति किया ना, सबको प्रभु का प्राप्ति हुई है। इसलिए जो पहला नंबर जो नियम है, विश्वास करके सुनो। विश्वास करके नहीं सुनोगे तो फिर तुमको कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। देखो कैसे विश्वास करनी चाहिए, एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक शिष्य था, रोज एक नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने आता था और रोज वापस चल जाता था। एक समय आया जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो ठाकुर जी रात को 12 बजे जन्म लेते हैं। अभी जन्माष्टमी होते थे रात 12 एक बज गया, बोले गुरु जी मेरे को घर में वापस जाना पड़ेगा। बोले बेटा क्यों, अभी रात में कैसे जाओगे, रात को आश्रम में रुक जाओ। बोले गुरुजी अगर आपका आश्रम में रुकूंगा तो मेरे को तो अपना बेटा बेटी बीवी की याद आएगी, लेकिन जब मैं घर में जाऊंगा फिर आपको याद आएगा, ठाकुर जी को याद आएगा। कल हम गुरुजी की आश्रम में जाऊंगा गुरुजी की सेवा के लिए, इसलिए गुरुजी मेरे को जाना पड़ेगा। बोले ठीक है बेटा तुम जाओ घर में जाओ। लेकिन जब उन्होंने कहे बोले गुरु जी पार कैसे होगा, नदी पार करना पड़ेगा, अभी तो केवट सो गया होगा। गुरुजी ने देखे बेटा तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को तुम अच्छे तरह से हाथ में पकड़ना तो पानी के ऊपर चलते 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 पार हो जाऊंगा। अभी उसने गुरुजी ने बोले तो गुरुजी ने एक मंत्र लिख करके दे दिया, उसको पकड़ा, सचमुच से देखा पानी के ऊपर वो चलते चलते जा रहा था। अरे भैया गुरुजी ने क्या मंत्र लिया, मैं पानी के ऊपर चलते चलते जा रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी थोड़ी दूर बाकी रह गया, बोले एक बार देख खोल करके देखो तो सही गुरुजी ने इसमें लिखा क्या। इतने में जब वो पेपर को खोला ना, उसमें लिखा हुआ था बोले हरे कृष्ण सभी को हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भगवान का नाम ही लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक तो पार हो रहा था। लेकिन जब उसने मंत्र को खोल करके पढ़ लिया ना, बोले इतनी सी बात, केवल हरे कृष्ण बात वहीं पर उसने डूब गया, अभी तो चल करके जा रहा था। कहते उसी तरह पहला नंबर है विश्वास होनी चाहिए, इसलिए विश्वास मिले वस्तु तर्के बहुत, भगवान को विश्वास पूर्वक भजन करना पड़ेगा। तर्क वितर्क में ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते हैं। विश्वास गुरु वाक्य सो दूसरा नंबर है स्वस्मिन दिनत्व भावनम। कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले दीनहीन होकर के कथा सुननी चाहिए, अहंकार घमंड अभिमान से कथा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करना तो आपके अंदर में चार गुण आनी चाहिए, तभी तुम्हारी भक्ति सक्सेसफुल होगी, तभी भजन कर सकते हो। वो चार गुण क्या है, बोले तृणादपि सुनिचेना तररपि सहिष्णुना,
अमानी नांग मान देना कीर्तनी असदाहरि। पहला नंबर है त्रिनादपि सुनिज, बोले घास से भी ज्यादा दीनहीन हो करके, और दूसरे है पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। जैसे हम जान चल रहे हैं जेठ के महीना, देखा पेड़ को नीचे विश्राम करना चाहते हैं, कोई बस बैठने के लिए आसन नहीं, देखना पेड़ की टहनिया को तोड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन उसका टहनिया को तो तोड़ दिया, लेकिन वृक्ष ने क्रोध नहीं किया, तुमने मेरे टहनिया को क्यों तोड़ दिया, तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, तब भी वो छाया देता है। पेड़ में आम है, उठाया एक पत्थर मारे, लेकिन मारा तो उसको पत्थर, लेकिन उसने क्या दे दिया, उसने एक फल दे दिया। इसलिए कहते पेड़ से भी ज्यादा सहिष्ण बनो और सबको यथाजोग्य सम्मान दो, क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान का निवास है। इसलिए जीवे सम्मान दिव्य जारी कृष्ण अधिष्ठान, इसलिए सब जीवों को सम्मान दो, क्योंकि सभी के हृदय में ठाकुर जी की निवास है। और स्वयं इज्जत की अपनी इच्छा मात्र को और सबको यथाजोग्य सम्मान दो। और क्या है, बोले स्वस्मिन दिनत्व भावनम मान दोष जयसेसा, यदि जो मन को एक मन करके कथा सुन, मन अगर भटकेगा तो फिर कथा सुनने से फल में नहीं मिलेगा। उन्होंने सारी बात को एक एक कर बताए, कथा में हमारी कमी किया थी, जब उन्होंने कथा को सुनाए गोकर्ण ने कहा देखो केवल सात दिन ही कथा सुनना, ज्यादा दिन नहीं, अगर एक मन से सात दिन तक कथा सुनेंगे तो जैसे धुंधकारी को भी संसार से उद्धार हुआ, हमारे भी संसार से उद्धार हो जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने सात दिन तक कथा सुनाई, सब लोग एक मन से कथा सुने, कथा सुने तो सभी के लिए भगवत धाम से रथ आया और सबके सब बैठ करके भगवत धाम को उन्होंने गमन किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, चलता नहीं, जय जय श्री राधे। हाँ देखो जो श्रोता है, बोले जो भगवान की जो कथा सुनते जो श्रोता है, कहते दो तरह के श्रोता है, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक निष्ठ श्रोता है। आज आपको हम सुनाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते श्रोता दो तरह के श्रोता है, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक कनिष्ठ साधारण श्रोता है। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता है, कहते वो चार ही तरह के है। कितने तरह के? आज मैं सुनूंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है, जो मेरे को बोल देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा। अगर ये श्रोता कैसे कथा सुननी चाहिए, एक मन से सुने, ठीक है। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता कितने तरह के हैं, और बोलो चार तरह के। बोले पहला नंबर है हंस। आप अगर हंस को पानी दो, देखना हंस में एक विशेष गुण है, वो पानी पानी तो पी लेता है, दूध 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 तो दूध अगर दो हंस को, वो दूध दूध तो पी लेता है पर पानी पानी को छोड़ देता है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले हंस जैसे सुनो। बोले जीवन में सार सार को तो ग्रहण कर लो और जीवन में असार को त्याग दो, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। ये मक्खी कहाँ बैठता है, देखना गंदी चीज में बैठेगा, वो अच्छे चीज में नहीं बैठेगा। लेकिन ये मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों को ऊपर में, उसने शहद को ले लेकर के बड़े सुंदर के छता बना देता है, जिसे मधुमक्खी की छता बनती है और उससे ठाकुर जी की सेवा होता है। इसलिए हमें हर स्थानों से, देखना भले ही कांटा के वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, देखना वहां पर भी मधुमक्खी बैठ करके वहां से भी उसने शहद को ग्रहण कर लेता है। इसलिए कहते हैं दूसरे नंबर है। जो तीसरा नंबर है तोता। ये तोता में एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चे फल में कभी मुंह नहीं मारेगा, वो मुंह मारेगा तो पक्का फल में ही वो मुंह मारता है। इसका मतलब है हमें जहां तहां अपना मुंह नहीं मारनी चाहिए, कहां मुंह मारनी चाहिए, बोले जहां पर भगवान की कथा हो, भगवान की भजन हो, वहीं पर ही मुंह मारो, जहां तहां हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए। बोले जो चौथा नंबर है चातक।
एक चिड़िया है, इसकी एक विशेषत्व है वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो तभी पानी पिएगा जो स्वाधीन नक्षत्र का, जो बरसात हो। इसलिए हर समय वो चिड़िया कहता है प्यासा हूं, मैं प्यासी हूं, मैं तुमको पानी पानी बोलो चित्कार करते रहता है वो चिड़िया। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कथा सुनने तो भगवान की कथा सुना, दुनियादारी की बुराई चुगली को हमें नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए केवल ठाकुर जी की कथा ही हमें सुननी चाहिए। और कहता पंचमा नंबर भी एक है, कहती है मछली। आप लोग मछली देखे हो मछली देखना, मछली का जो आंखों का जो पलक है ना वो कहीं नहीं झपकती है, वो हर समय मछली खुली हुई आंख रखती है। इसका मतलब कथा कैसे सुननी चाहिए हमें, अपलक नेत्र से मतलब टकटक लगा करके एक मन से ही हमें कथा सुननी चाहिए। कभी ये पांच तरह का श्रेष्ठ श्रोता है, कभी एक साधारण श्रोता है जो घटिया श्रोता है, कभी वो भी चार तरह का। पहले पहला नंबर है भुरुंडू। ये भुरुंडू एक चिड़िया, ये हिमालय पर्वत में रहता है। ये चिड़िया को आप जैसे सुना हो वो ठीक आपको वैसे ही सुना देगा, लेकिन वो करते समय ना वो उल्टा करेगा, अपना जीवन में एक अक्षर को ये उतारेगा नहीं। इसलिए कहते दूसरा नंबर है कहते भेड़िया। ये एक छोटा जाति के एक बाघ होता है, वो हिरण को कब आक्रमण करेगा, जब हिरण कोई सुंदर सुलीली शब्द सुन करके एकदम उसमें डूब जाता है उसी समय में ही ये भेड़िया आक्रमण करता है। मतलब क्या, ऐसे कुछ श्रोता लोग होते हैं वो खुद तो एक मन से कथा नहीं सुनते, और जो पास में बैठे हुए व्यक्ति है ना उसको भी कथा सुनने नहीं देते हैं, बिना कारण से उससे बात करने लग जाएंगे, तेरे घर में आज पूजा हुआ था तुमने अमुक बात सुने हो, इधर उधर की बात सुनेगा नहीं और दूसरों को भी वो सुनने नहीं देता है। कभी ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है बेल। अब बेल को आप कोई सुंदर सुंदर फल दो, अंगूर केले दो, उसका घास भूसा दे दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मानता है। मतलब क्या है, मतलब होता है ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कोई बात हो है, ये दोनों कथा को जो बराबर मानते कहते ये बेल है। और जो चौथा नंबर है ऊंट, इधर तो ऊंट है, इधर ऊंट है नहीं है ना, है देना ऊंट को अपने सुंदर सुंदर कोई कोमल कोमल पता तो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कहाँ, बबलू का पेड़ जिस पेड़ में कांटा हो वो कांटा युक्त तो पेड़ को खाता है, और अपना मुंह से खून निकलता है और उसको पी पी कर सोचता है वाह क्या टेस्ट है इसमें। इसका मतलब है जिनकी भगवान की कथा में जिनको रुचि नहीं, कथा किसमें किसकी कथा रुचि, किसकी चुगली हो, किसकी बुराई हो, उल्टा पुल्टा कोई बात हो ना वहाँ पर वो व्यक्ति कान लगा करके सुनेगा, लेकिन कहीं ठाकुर जी की कथा हो ना फिर वो कथा को जो नहीं सुनते हैं उनको कहते ये ऊंट है। कहते जो कथा है कहते ये चार ही तरह का कथा है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी और एक निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना कथा सुने नहीं तो दो महीना कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई उसको मतलब नहीं रहता है। बोले राजस की कथा किसको कहते हैं, बोले बड़ी धूमधाम से कथा को व्यवस्था करते हैं, भैया कथा हो रही है आओ कथा भागवत कथा होगी कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन व्यवस्था करेगा सब कुछ लेकिन जब कथा होगा ना कथा नहीं सुनेगा, फिर इधर उधर काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कथा की व्यवस्था तो करते हैं लेकिन जो कथा नहीं सुन पाते हैं। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, जो सात दिन तक कथा हुई लेकिन कभी इच्छा हो तो बैठ गए मन लगा नहीं एक चक्कर घूम कर आ गए, नहीं तो कथा को बीच में आए नहीं तो कथा को लास्ट में आए, किसी तरह से सात दिन को जो ऐसे जो बिता देता है इसको कहते हैं तामसी कथा। लेकिन सही कथा क्या है, जिसको निर्गुण कथा कहते हैं। बोले निर्गुण कथा उससे कहते हैं
बोले सदा सत्यम कहते जिसने पूरा अपना जीवन को ही जो भागवत मय बना दे, भक्ति मय बना दे, नियम करके रोज रोज भागवत हो, नहीं तो भगवत गीता हो, नहीं तो रामायण, कोई शुद्ध भक्ति की ग्रंथ को नियम करके अपना घर में जो एक अध्याय हो, नहीं तो एक श्लोक की व्याख्या हो, उसको जो नियम करके जो घर में नित्य कथा करते हो, नित्यम भागवत सेवया, जिनकी घर में एक श्लोक नहीं आदि श्लोक, आदि श्लोक नहीं आदि से आदि भागवत का श्लोक जिस घर में पाठ होता है उसी घर में स्वयं ठाकुर जी श्री राधा रानी को साथ में घर में निवास करते हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथा हो जिस घर में, वो घर नहीं पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में ही निवास करते हैं। इसलिए सही कथा हुआ है जो अपना जीवन कोई भगवान की कथा में बना दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को, हम लोग गत कल श्रवण कर रहे थे, इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे। कहते जब सुखदेव गोस्वामी भागवत को जब प्रारंभ करते हैं, हम लोग दो मिनट कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है। देखो भागवत का जो सार है ना, भगवान का नाम कीर्तन है, इसलिए जब भागवत शुरुआत होता है वो भगवान का कीर्तन से शुरुआत होता है, और जब भागवत का विश्राम हुआ है ये भगवान के कीर्तन से हुआ है। इसका मतलब है भागवत का जो सार है ये हरि कीर्तन है, हाँ ये हरि कीर्तन ही भागवत का सार है। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का जो महामंत्र को आप लोग कीर्तन करें। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय जय गोपाल जय 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 जय
राधा रानी को भी स्तुति करते हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं
अकेले कृष्ण की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए राधा रानी को, साथ में ही कृष्ण पूजा होती है। इसलिए कहते राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ देखना, कोई कृष्ण कृष्ण कोई भी नहीं बोलते हैं वहां पर। किसके नाम लेते हैं सबके सब? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वहां पर सबके श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए हमारी संप्रदाय में एक संत कहते हैं, बोले अनारथ राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटविम असंभास तद भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। मतलब है अगर किसको कृष्ण भक्ति पाना है, किसको कृष्ण भक्ति में रस में किसको गोता लगाना, वो संत कहते हैं बोले जब तक पहले तुम तीन चीज को नहीं अपनाओगे भैया, कृष्ण कृष्ण बोलने पर कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण जैसे तीन जगह में टेढ़ी है ना, टेढ़े ही उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी थी नहीं? लेकिन हमारी जो राधा रानी में बड़ी सीधी साधी सरल है और बड़ी सीधी साधी श्री राधा रानी। कहते तीन चीज क्या अपनाना पड़ेगा, बोले पहला नंबर है अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु। जब तक इस राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरा नंबर है राधा जी की चरणों पर अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। सबसे जो बड़ी चीज राधा जी की प्रेम भक्ति में जो डूबा हुआ साधु, पर जब तक ऐसे साधु की चरणों को आश्रय नहीं करोगे भैया कृष्ण इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। केवल राधा जी की कृपा से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कहते हैं वो जो भगवान कृष्ण ये कौन है, बोले जन्मादस्य जतः, मतलब जिन से ही जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि करते हैं, जिनके आदेश पर श्री शंकर जी संहार करते हैं और जिनके आदेश पर भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ये भागवत उन्होंने चतुश्लोकी रूप में उनके हृदय में उन्होंने प्रकाशित किया है। और जिनकी माया ऐसे जिनकी माया बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया में मुग्ध हो जाते हैं। हम आगे जा करके सुनेंगे जिनकी माया से ब्रह्मा स्वयं जगत को जो सृष्टि करता कृष्ण की बछड़े और गया उनको सखाओं को कैसे चोरी चोरी किया, जब बाद में पता चला तो भगवान ही फिर आकर के बड़ी ना कर गई। कहते स्वयं इंद्र जिनकी इंद्र भी पहचान नहीं पाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, फिर गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण ने धारण किया। इंद्र ने 7 दिन तक जहाँ पर उन्हें बारिश किया, बाद में जब पता चला रही ये तुम्हारे बाप का बाप का बाप है, फिर आकर के कृष्ण चरण में उन्हें माफी मांगते हैं। ऐसे जो भगवान कृष्ण चंद्र हम सब के सब इनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। कहते जो प्रथम श्लोक है कहते ये भगवान को ये ध्यान करते हैं, जो दूसरा जो श्लोक है ये प्रतिज्ञा है। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा, बोले धर्म थोड़ा पानी दे सकते हैं? कहते भागवत का जो मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है कहते ये प्रतिज्ञा है। कहते भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र। मतलब है यहाँ पहला शब्द धर्म, धर्म मतलब है अगर कहीं वास्तव धर्म की विवेचना हुई ना ये भागवत में। इसलिए कहते दूसरे दूसरे शास्त्र में धर्म का तो विवेचना हुई लेकिन पूर्ण रूप में नहीं, इसलिए भागवत में ही आत्मा की शुद्ध धर्म की विवेचना श्री भागवत में हुई है। और जिस भागवत में आत्मा की जो शुद्ध धर्म जो भगवत प्रेम है जो भगवान की जो भक्ति है इसी विषय में भागवत में रचना हुई है। इसलिए हम आगे सुनेंगे श्री व्यास देव जी ने उन्होंने बहुत उन्होंने ग्रंथों को रचना की है, लेकिन रचना करने पर भी व्यास देव को शांति नहीं मिली।
लेकिन शांति कब मिली, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथों का रचना की, तभी पूर्ण रूप में इनकी शांति मिलती है। इसलिए धर्म अगर सही सही रूप में कहीं वर्णना की गई बोले श्रीमद भागवत ग्रंथ में, जहाँ पर धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी जहाँ मुक्ति को भी स्थान नहीं दी गई, क्योंकि भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते हैं। भगवान कहते दीयमान अपि न गृह्णति, मैं अपना भक्तों को मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त लोग मुक्ति नहीं लेते हैं। कभी ये एक पहला अत्र है। दूसरा अत्र क्या है बोले वेद्यम वास्तवम अत्र, बोले भागवत ग्रंथ में जो वास्तव वस्तु जो भगवान है इनकी धर्म जिसमें बताए। और जो तीसरा अत्र भागवत में देखो, ये भागवत की कितने महिमा, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, हैं? आपको पता चला अभी कथा में आप आए नहीं, घर में बैठे हो, पता चला यहाँ पर श्री नीरज जी के घर में भागवत कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी केवल इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, अगर इतनी अगर किसकी मन में इच्छा हो जाए ना, उसी समय में ही भगवान आकर के उसका हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति घर में घुस करके अपने आप को कुंडी से बंद कर दे, उसी तरह ठाकुर जी इसके हृदय में आकर के ऐसे बंद जाते हैं, ठाकुर जी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही, लेकिन अगर वास्तव में कोई व्यक्ति आए और ये भागवत कथा में बैठ जाए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसकी महिमा तो हम नहीं बता सकते। इसलिए कहते कथा कौन सुन सकते बोले सुश्रुति, बोले साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो कहते वही व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। तब यहाँ कोई प्रश्न करते हैं, आप कहते हो जो पुण्यात्मा वही कथा सुन सकता, बोले हाँ, अगर कोई बोलेगा हमने तो कोई पुण्य किया ही, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, आओ और बैठ जाओ और कथा सुनना शुरू करो, कथा सुनते सुनते ही अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। लेकिन एक ही काम करो और आओ और भागवत कथा में केवल बैठ जाओ। इसलिए भागवत प्रतिज्ञा ये भागवत का है, केवल कथा सुनने की इच्छा से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाते हैं। बल जो तीसरा जो मंगलाचरण है कहती है हमें आशीर्वाद देता है, बोले भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, कहते हम कथा नहीं सुन रहे हैं, कहती है कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं। बोले कल्प वृक्षों कहते हैं किसको, बोले जो मांगो वही दे देगा, जो मांगो ये भागवत आपको समस्त इच्छाओं को जो पूरी कर देती है ये भागवत। लेकिन यहाँ पर एक सावधान करते हैं, बोले देखो ये भागवत तो सारी इच्छा पूरी कर देगी, स्त्री पुत्र धन दौलत परिवार नौकरी चाकरी जो कुछ मांगोगे, कभी ये भागवत अगर सही सही नियम से कोई सुने, एक मन से 7 दिन तक कोई नियम से सुने। नियम क्या है, पहला नियम बताए बिना खाए पिए 7 दिन तक सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो गोपाल, हम तो ऐसे कथा सुन नहीं सकते। बोले अगर भूखे से नहीं सुन सकते हो बोले 7 दिन तक केवल घी पी कर कथा सुनो, बोले पेट पतला हो जाएगा बैठ नहीं पाएंगे। बोले अगर वो भी नहीं कर सकते बोले फलाहार करके कथा सुनो, बोले हाँ फल तो जंगल में तो बहुत फल है, कहते हाँ फल तो खा कर कथा सुन सकते हैं, बोले इसमें भी दिक्कत है। बोले अगर इसमें भी दिक्कत तो सबसे बढ़िया बात बताए, एक बार भोजन करो बढ़िया से और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बेस्ट होता है, ऐसे कथा सुनो हैं, ऐसे ही कथा सुनो। बोले अगर ऐसे भी कोई दिक्कत होता है जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा को ठीक से कथा को सुन लो। ब्रह्मचर्य पालन करते हुए झूठ मत कहा करो, किसको साथ में लड़ाई झगड़ा मत करो हैं, किसकी बुरा चिंतन मत करो। अगर नियम से कोई भागवत कथा सुनेगा ना, नियम से सुने कहते 7 दिन में जो आप मांगोगे ये कहते ये भागवत आपको सारी इच्छा को 7 दिन में ये पूरी कर देती है। इसलिए भागवत को बताया ये कथा नहीं, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। लेकिन और एक चीज की सावधान कर देते हैं,
बोले भागवत से छोटे मोटे चीज को मत मांगा करो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मांगने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए कहते छोटे मोटे चीज यहाँ मत मांगा कर। उदाहरण दिया, बोले कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उसको पास में एक गैया थी। बेचारा गरीब ब्राह्मण, उसने उपासना की जो स्वर्ग के धन कुबेर, सारे धन का जो मालिक है, धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा घर मांगो। लेकिन बेचारा गरीब, उसको बुद्धि भी गरीब है, बोले मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। कुबेर ने कहा देखो कितने बेवकूफ है, मैं इतने धन दौलत तेरे को दे सकता, तू भी खा, तेरे बेटे के बेटा खाने पर ही खत्म नहीं होगा। लेकिन कुबेरे को हैं, कुबेरे को संतुष्ट करके गैया की खाने के लिए चुना भूसी मांग रहे। कहते उसी तरह ये भागवत, जो भागवत है ये भागवत नहीं, ये भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही कलयुग में भागवत रूप में आए। बोले इनसे ऐसे एक चीज मांग लो, जो एक चीज मांगोगे ना सब चीज तुम्हें मिल जाएगी, सब चीज तुमको जीवन में मिल जाएगी। कह दो तो एक चीज क्या है, बोले भगवान की भक्ति, ये भगवान का प्रेम है। हनुमान का नाम सुने होंगे, जानते हो हनुमान जी, जब उन्होंने माता सीता को पता लगा करके आए ना, भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए राम, बोले हनुमान जो इच्छा तो मेरे को मान। तब उन्होंने क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मागो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान जी कहते प्रभु जी आपके चरण में मैं बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, आपके चरण की भक्ति हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करो, और निष्काम भक्ति और भगवान की प्रेम और आपके चरण की हमें सेवा प्रदान करो। आप बताओ हनुमान को क्या नहीं मिला हुआ, सब कुछ हनुमान को मिला हुआ। क्योंकि जब भगवान कौन है, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान है। जब ठाकुर जी तुम्हें मिल गए भक्ति से, सारा दुनिया तो अपने आप तुमको मिल गया है। इसलिए यहाँ पर कहते भागवत तो कल्प प्रख्या है, लेकिन भैया छोटे मोटे चीजें से मत मांगा करो। देखो एक छोटी सी कथा सुना, बोले एक समय कोई एक अंधा था, उसने शंकर जी की पूजा किया, शंकर खुश हो गए, बोले बेटा परमा। लेकिन वो व्यक्ति अंधा था, पहले सोच कर आया था अगर शंकर जी खुश हो जाएंगे ना मैं तीन चीज मांगूंगा, पहला चीज मांगूंगा मैं अंधा मेरे को आँख मिल जाए, दूसरा चीज मांगूंगा मेरे को जो पैसा मिले, और तीसरे चीज मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आए थे। शंकर जी बोले बेटा बर मांगो, बोले मेरे को तीन बर दे दो। बोले नहीं, जो मांगना एक बर से मांगना पड़ेगा, एक चीज मांगना पड़ेगा। वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले ठीक है, बोले मेरे को अपना बेटे को मैं राज प्रसाद के ऊपर में हाथी के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो, बस बरदान दे। शंकर जी बोले बड़ा चला गया, बोले राजमहल के ऊपर में, राजमहल में कौन रहता है, राजा लोग, हाथी के ऊपर कौन बैठता है, राजा लोग बैठते हैं, अपना बेटे को सोने की कटोरी में, बताओ सोने की कटोरी कौन व्यवहार करता है, वो भी राजा महाराज व्यवहार करते हैं। देखो अभी बेटा कब होगा, शादी हो जाए तब तो बेटा होगा ना, देखो देखेगा कब, जब आंख हो तब तो देखेगा। शंकर जी बोले बड़ा ये तो बड़ा चालाक निकला, एक बार से सब कुछ मांग लिया। कहते उसी तरह यहाँ पर भागवत कहता है, भगवान से अगर भक्त वृक्ष का ये पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए क्या करो, बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, बोले एक में तो पका हुआ फल, दूसरे में उसमें सूख पखी ने उसमें चोंच मारी। एक कहावत है, एक में तो सूख पखी में एक विशेष गुण तोते में, वो कच्चा फल में चोंच नहीं मारता है, वो पका हुआ फल में मारता है। इसका मतलब ही जो भागवत ही पका हुआ फल है तभी ये सुखदेव गोस्वामी चोंच मारे। और दूसरी बात है, जिसमें ये तोता चोंच मार दे ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। इसलिए कहते भागवत में एक तरह समय है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली उसमें विशेष मधुरता आ गया। इसलिए क्या करो भैया, बोले पी बदम, उसको खूब पियो। बोले आपने पहले बता दिया ये फल है,
आप बताओ फल को पीते हो ना फल को खाते हो? आप लोग बोलो फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? अरे बोलो जोर से, खाते हो लेकिन ये कहते हो पियो। कहते ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका भी नहीं है, जिसमें गुठली नहीं जिसकी जिसमें केवल रसी रस जिसमें है, इसलिए इसको क्या कर बोले पियो। जैसे कोई चीज को हम पीते हैं, हम लोग किधर से पीते हो कोई चीज को? अरे बोलो जोर से, मुंह से पीते हो। लेकिन अभी जिस रस को आप पान कर रहे हो किधर से पान कर रहे हो, किधर से पी रहे हो? बोलो जोर से बोलो, कानों से। ये ऐसे के रस है ना जिसको मुंह से नहीं पी जाती, इससे किसको तरह पी जाती है? जिसको कानों से पी जाती है। देखो मुंह से और कानों से पीने का क्या फर्क है? जो चीज आप मुंह में पियोगे ना अंदर नहीं रख सकते, वो निकलेगा। कोई चीज पियो रख सकते हो अंदर में, वो निकलेगा। लेकिन जो चीज वो कान से पीते हो कभी निकलता है? वो कभी नहीं निकलता है। कहते जो भागवत रस को इसको मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कान से उसको पी जाती है। कहते भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे छेद है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब छेद ही छेद है। एक तरफ पे पीते दूसरे तरफ में सबके सब निकल जाती है। तब यहाँ पर कहते हैं ऐसे क्या करे अगर पियोगे ना एक बूंद भी निकलने वाले नहीं, वहां से एक बूंद भी नहीं निकले। कैसे? उदाहरण देते हैं बोले मुहूर्त रहो, अगर हर समय हम कथा को सुनते रहेंगे फिर भले ही हमारी अंदर में जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो, भैया तुम्हारी हृदय से परी वो प्रेम नहीं निकलेगा। हर समय उसमें डूबे रहो उसमें। बोले ये कथा को कौन पी सकते हैं? बोले कथा को सब नहीं पी सकते हैं, कथा को केवल दो व्यक्ति पान कर सकते हैं, बोले एक रसिक और एक भावो। केवल ये दो व्यक्ति ही कथा रस को पी सकते हैं, सभी कथा रस को नहीं पी सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा रस को सब नहीं पी सकते, ये कथा रस को वही पी सकते हैं जिसको ऊपर में ठाकुर जी कोई विशेष कृपा हो। पार्वती वही व्यक्ति ये भक्ति रस को वही पान कर सकते, सभी इसको पान नहीं कर सकते हैं। अभी ये घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आने पर अभी ये सौनकार ऋषियों ने बड़े कलयुग से डरते हुए श्री ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले पितामह ब्रह्मा जी ये कलयुग से हम बच के सकते हैं? बोले बेटा कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, कोई पर बैठ कर भजन करो। कहते वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य। आप लोग कोई नैमिषारण्य गए हो? कोई कौन कौन गए हाथ उठाओ तो, कौन कौन नैमिषारण्य गए? कोई भी नहीं गए आप लोग? कोई कौन जाना चाहते हो बोलो, कौन जाना चाहते हो बोलो, कौन जाएगा? एक बार सबको ले चलेंगे, ठीक है, एक बार प्रोग्राम बनाएंगे। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, साधारण भाग्य से कोई भारत में जन्म नहीं लेते। इसलिए जितने तीर्थ देखोगे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची कहाँ पर है, गंगा जमुना सरस्वती कहाँ पर है,
केदारनाथ बद्रीनाथ माताजी पानी देने वाले माताजी अब चुपचाप बैठो। इसलिए कहते जितने सारे धाम हैं, कहते कहां पर ये सारे धाम हैं, कहते भारत में। भगवान कहां पर जन्म लिए? कोई भगवान के विदेश में जन्म लिए? कोई जन्म नहीं लिए, भारत में जन्म लिए हैं। इसलिए आप भागवत पढ़ करके देखो, कहते स्वर्ग के देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें भारत में जन्म दो, विदेश में जन्म नहीं, भारत में हमें जन्म दो। और कौन सा धर्म है? बोले सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हमें जन्म दो। इसलिए बड़े भाग्य से हमारी ये सनातन धर्म में हमारी जन्म हुआ है। इसलिए कृष्ण जो गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जो युग युग में अवतीर्ण होते हैं, हैं? इसलिए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहते हैं अर्जुन, जब जब स्त्री पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों के ऊपर अत्याचार होती है, तब तक मैं जन्म लेकर के धर्म को स्थापन करता हूँ। कौन सा धर्म को स्थापन करते हैं? सनातन धर्म। केवल दूसरे किसी धर्म को नहीं, जगत में जितने धर्म है ना, वो दो दिन के लिए धर्म है। जैसे क्रिश्चियन, कितना साल से क्रिश्चियन धर्म है, अभी कितना साल चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 पहली क्रिश्चियन धर्म था, वहीं से क्रिश्चियन धर्म आई। मुसलमान धर्म 1500 साल पहले, उसको पहले कुछ भी नहीं था। जितने धर्म जगत में देखोगे कुछ दिन पहले ही हुए हैं, लेकिन हमारी जो सनातन धर्म कब से? सत्य युग से। ये भागवत धर्म सत्य युग से है। भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव को दिए, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव सुतो गोस्वामी को, श्री परिकेत महाराज। कब से ये ज्ञान आई है हमारी सनातन धर्म कब से? इसलिए हमारी धर्म का नाम सनातन। सनातन मतलब क्या है? सदा। सदा मतलब सब समय, तना मतलब विस्तार, तना मतलब प्रकाश। जो धर्म पहले था, अभी है, बाद में जो रहेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। लेकिन सनातन धर्म जन्म नहीं लिया, ये धर्म कभी मरेगा नहीं। इसलिए हम बड़े भाग्यवान जो ये सनातन धर्म में आए हैं और भगवान की हम भक्ति करते हैं, ठाकुर जी का हम भक्ति करते हैं। इसलिए एक बार आप सबको हम ले चलेंगे, ठीक है? हाँ, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सौनक आदि ऋषि जब बोले कहाँ पर गिरा, ये जाकर के नमी सारे नमी गिरा है, और वो चक्र इतने नीचे चला गया, अभी भी देखो 24 घंटा वहां पानी निकल रहे, 24 घंटा पानी निकलती है। वहीं पर सौनकाद ऋषियों बैठ करके बड़ी हजार हजार साल से तपस्या यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए। जब सुतो गोस्वामी आए, इनको देख करके बोले हमारे अहोभाग्य है, आज हमारे बीच में श्री सुतो गोस्वामी आए। बोले सुतो गोस्वामी कौन है? कहते जब श्री परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, ये सुतो गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे। और कौन सा जात का? सूत। सूत मतलब होता है जो रथ को चलाते हैं। महाभारत देखे हो, देखना वहां पर श्री भीम अर्जुन कर्ण को बारंबार सूत पुत्र बोल करके टोंटिंग करते थे उसको। बोले तू सूत पुत्र बैठ जा तू, मतलब छोटे जाति में जन्म हुई है। लेकिन भगवत भक्ति जो करते हैं, कहते भगवान की भक्ति में जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हुई। बताओ हनुमान जी कौन से जात में जन्म हुई? बंदर। हनुमान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? सवेरे उठ करके मेरे मुंह को देख लेना, मेरे कोई नाम ले ले, ऐसे समय निकृष्ट जाति बंदर कुल में जन्म लिया, उसको दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं राम की भक्ति करता हूँ, देखो घर घर में हनुमान की पूजा हो रही है। बताओ सबरी कौन सा जाति में जन्म ली? सबरी कुल में जन्म ली। लेकिन भगवान जिनकी झूठे बेर ठाकुर जिसको खाए, इसलिए भजन गाते हैं ना, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे।
Thank you.
इसलिए सुतो गोस्वामी छोटे जाति में जन्म लेने पर भी, लेकिन जब श्री सुतो गोस्वामी आए उनको पूजा कौन कर रहे, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग जिनको स्वागत करके बैठा रहे, शिक्षा देते हैं, भले ही हमारी जी स्कूल में जन्म क्यों नहीं हो, मेन जो वस्तु भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति ही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जब श्री सुतो गोस्वामी आए उनको आसन दे करके बैठाए, बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही समस्त वेद पुराण इतिहास को आपने सब कुछ आयत किया, सबका सार आप समझे, इसलिए ये घोर कलिजुग आ गया है। कदी ये कलिजुग का क्या स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला वस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुप दुर्गा। बोले कलिजुग में प्राय करके लोगों का परम आयु कम है, सत्य युग में 100,000 साल तक जिंदा रह सके। इसलिए आप सुने होंगे हिरण्यकश्यप तो 60,000 साल ही तपस्या किया, कोई 10,000 साल, कोई 20,000 साल, क्यों, वो जिंदा रहते थे बहुत दिन तक। इसलिए कलिजुग में परमा था 1,00,000 साल, लेकिन जब त्रेता युग आ गया 1,00,000 से 1 सोना हटा दो और रह जाता है 10,000। त्रेता युग में हो गया 10,000, फिर द्वापर युग आया उसमें 1 सोना हटा दो कितना हो जाएगा 1,000। अभी कलिजुग आ गया उसमें 1 सोना हटा दो कितना हो जाएगा 100। अभी कलिजुग का परम उत्साह है, लेकिन अभी 100 कोई जिंदा नहीं रह रहे, क्यों, कहते हर चीज आप देखना मिलावट है, कोई चीज भी सब्जी भी खाओ उसमें भी हाइब्रिड देकर बनाए, कोई भी चीज आप देखना उसमें तरह तरह का क्या क्या चीज मिलावट, दूध भी पियो पता नहीं क्या क्या मिला मिला करके दूध बनाते, घी भी पियो घी भी खाओ। कुछ दिन पहले आलीगढ़ में पकड़ा गया, जानते हो घी कैसे बना रहे थे, घी का कोई नाम गंध तक नहीं था, हाड़ी जो हाड़ी है उसको गला गला करके सेंट देकर बना रहे थे, वो कोई घी था नहीं, ऐसे हर चीज से मिला बैठे। इसलिए कलयुग में धीरे धीरे ये परिमाण धीरे धीरे ये घटते जा रहे हैं। पहले और एक नियम था, जब तक इसकी परमायु पूरी नहीं हो जाती ना कोई नहीं बनता, लेकिन कलयुग ऐसे एक युग है कब कौन मरेगा कोई बता नहीं सकते। जैसे अभी कोरोना आ गया, अब बताओ कोरोना में कितने लोग चले गए। इसलिए कलयुग में कोई परमायु कोई फिक्स नहीं कब हम मरने वाले हैं। फिर कलयुग में क्या है, बोले मंदा सुमंद मते हो, कलयुग जीव का जो बुद्धि है ना देखना ये स्वभाव की तरफ पे गंदी चीज में जाती है, सहज में प्रभु की भक्ति की तरफ पे नहीं जाती। पहले लोग क्या होता था, लोग देखना रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, लेकिन टीवी आ गया, ये स्मार्टफोन इंटरनेट आ गया, ये तो इतने बिगाड़ दिया बच्चों को, सबका बुद्धि को खराब कर दिया, ये टीवी इंटरनेट मोबाइल आ करके इतनी गंदी चीजें आ गई, इसे बच्चे पढ़ाई सब बर्बाद भी कर दिया। हम एक गाँव में कथा करने गए थे, उसको पिताजी मिलिटरी में काम करते थे, कभी घर में आया देखा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहे, दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठा हुआ, पिताजी उसको मना किया, बेटा उसको ज्यादा इसमें पीछे मत लगा करो, अपना पढ़ाई में मन लगाओ जिसमें तुम बड़े बनोगे। लेकिन पिताजी उसको छीन लिया मोबाइल, पता है क्या किया, पिता सो रहे थे गला ही काट दिया, पिताजी का गला उसने काट दिया, मतलब इतने बच्चों को इतने नशा ऐसे बन गया, नशा बन गया बच्चों का। इसलिए ये कलयुग आकर के कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, बुद्धि इतने मंद बुद्धि हो गया, इतने मंद बुद्धि हो गया, सहज में ये मन प्रभु के चरणों में नहीं लगती है। आप बताओ कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने श्री सुतो गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न की, और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये पूरी भागवत है। इसलिए आज मैं 6 प्रश्न बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, देखूंगा कौन बोल देता है। 6 प्रश्न जो बोलेगा ना उसमें इनाम मिलना। अब जो 6 प्रश्न बहुत अच्छी प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है। हम जीवन में यही चाहते हैं, बताओ जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं, आत्मा को शांति मिले कैसे, आत्मा को सुख कैसे मिले, इसलिए तो सब काम करते हैं ना।
लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में एक चीज देख लेना, सामने एक समस्या, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या अगर हल हो जाएगी हमको चैन मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना वो एक समस्या तो गई नहीं, दूसरी समस्या आ गई, कोशिश करते दूसरी समस्या कैसे हल हो जाए, फिर शांति मिलेगी। देखना समुद्र देखे हो तो ना, एक बात में एक लहरी आती है ना, आप देखना संसार का कोई समस्या दूर नहीं होती है, कोई समस्या संसार की दूर नहीं होती है। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे, आत्मा को शांति मिलेगी। जो दूसरा जो प्रश्न है कहते कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। देखो एक प्रश्न से ना दूसरी प्रश्न जुड़ी हुई, कहती है आत्मा को शांति मिलेगी कैसे, बोले आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जीवन में तुमको भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति के बगैर भले ही जीवन में जो कुछ कर लो, जितने पढ़ाई लिखाई कर लो, जो कुछ जीवन में नौकरी चाकरी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक प्रभु को प्राप्ति नहीं होना तब तक कभी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आत्मा है ना वो परमात्मा की अंश है। जैसे देखना, जैसे ऊपर में एक ईंट को फेंको, नहीं तो पत्थर फेंको, बताओ ईंट किधर आएगी, नीचे क्यों आएगी, ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसका जो मूल है ना वो मिट्टी है। जैसे कोई दिया जलाओ उसका लो किधर जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी, इधर उधर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसका जो मूल ये सूरज है। जैसे यहाँ पानी डाल दो, पानी किधर जाएगी, नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि पहले ये नाली में मिलेगा, फिर नदी, और लास्ट में जाकर के समुद्र में मिलेगा, क्योंकि पानी वही सही बाष्पीभूत होकर के मेघ बन करके वो यहीं से आता है। इसलिए देखना जीवन में आप कोई दुख चाहते हो, कौन दुख चाहता है, कोई नहीं। अब बताओ कौन सुख चाहते हो, हाथ उठा कौन पर सुख चाहते, सब चाहते हो। अभी प्रश्न है सुख क्यों चाहते हो, ये दुख क्यों नहीं चाह रहे, सुख क्यों चाहते हो। कारण है वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब कौन है, वो अमृत के पुत्र है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ममहि वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, तो जो जीव है मेरे अंश है, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई मैं हूँ। इसलिए कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु स सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम। बोलो आप लोग सब बोल दिया, तुमेव सर्वम मम देवदेव। कहते ना ठाकुर जी आप ही हमारे पिता बंधु भाई आप ही हो। इसलिए जो जीव है वो ईश्वर अंश है, वो ईश्वर अंश होने का नाते जब तक ये जीव ईश्वर की शरण में नहीं जाएगा तब तक ये जीव को शांति नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो दूसरी जो क्वेश्चन है कलयुग में वो भगवान को हम कैसे प्रसन्नता भगवान को करें, क्योंकि भगवान प्रसन्न होने पर भगवत प्राप्ति से ही जीव का परम शांति मिलेगी। जो तीसरा प्रश्न है हमें कृपा करके भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर हमें भगवान की कृष्ण कथा सुनाओ। जो चौथा प्रश्न है बोले केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कभी राम बन करके आए, रावण को मारे, कई भगवान नरसिंह अवतार बन करके उनमें से हिरण्यकश्यप को मारे, भगवान को मत्स्य अवतार उन्होंने वेद उधार किया। हमें भगवान की जो दूसरे दूसरे अवतार का भी हमें कथा सुनाओ। जो पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जो जैसे अजामिल ने अंतिम समय में भगवान को नहीं बुलाया, अपना छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया था, उन्होंने केवल अपना बेटे को नारायण एक बार बोल दिया ना, इससे ही बड़ा पार हो गया, इससे ही भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान के से एक कृष्ण थे लेकिन शतकर्ण गोपिया देख रहे थे कृष्ण हमारी पास में, कैसे भगवान 7 साल उम्र में 7 क्रोश गिरिराज को, और उन्होंने कनिष्ठ अंगुल में उन्होंने 7 दिन तक कैसे उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, माता को जय नहीं दे रही,
स्वर से बोलो श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए उन्होंने कैसे गिरिराज को उठा लिया, इसलिए भगवान की अद्भुत जो जस है, काल में जिनकी डर से थर 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 कांपते हैं, उनकी अद्भुत जस की बात बताओ। और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब कलियुग में, भगवान जब ये जगत छोड़कर गए कलियुग में, ये धर्म कहाँ पर आश्रय लिया? जब उन्हें ये छह प्रश्न की, इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी तो प्रेम में इनके हृदय गदगद हो गया, क्योंकि ये जितना प्रश्न था ये सब सब भगवत संबंधी प्रश्न, ये कोई दुनियादारी कोई प्रश्न नहीं था। इसलिए संतों को क्या अच्छी लगती है, बोले भगवत चर्चा, भगवत कथा ही उनको अच्छी लगती है, दुनियादारी की बात उनको नहीं सुहाती है। इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए, बोले पहले मैं अपना गुरु जी के चरणों को पूजा करके प्रणाम करके फिर मैं तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा। बोले बंदाओ गुरु पाद पादो माँ पैरा गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरुद्धः। गुरु मतलब होता है हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हृदय में जो दीपक आलोक को संचार कर दे, ये गुरु जी है। इसलिए उन्होंने कृष्ण खुद कहते हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े ताक लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। अगर भगवान कृष्ण दोनों खड़े हुए, पहले किसकी चरण में प्रणाम करेंगे? पहले गुरु जी की चरण, क्योंकि गुरु जी की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु जी के चरणों को उन्होंने प्रणाम किए। बोले मेरे गुरुदेव कौन है? बोले मेरे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। माँ के पेट में बच्चा देखना 9 महीना रहता है, लेकिन ये माँ के पेट में 16 साल तक थे, पेट से निकलना नहीं चाह रहे थे। व्यास देव बोले बेटा तू कौन हो, मैया को क्यों इतने कष्ट दे रहे हो, निकल करके आ जा। बोले पिताजी हम बढ़िया है, यहाँ पर हमको कोई दुख कष्ट नहीं, यहाँ पर खुद भगवान की भजन बैठ कर डट करके भजन कर रहा हूँ, कोई हमें बाधा देने वाले नहीं, हम तो आनंद में हो। बोले तू तो आनंद में मैया को देख कितने कष्ट पा रही है, माताएं 9 महीना तक बच्चे को रखते होंगे, कितने कष्ट होगा आपको पता है। अगर कोई बच्चा अगर रह जाए 10 साल 8-16 साल तक रह जाए, बोले मैया को कष्ट हो रही, बेटा बाहर निकल करके आ जाओ। बोले पिताजी ये जो संसार है ना, ये माया की संसार है, हर बच्चा मातृगर्भ में बड़ा कष्ट उठाता है, माँ की पेट में आना नरक में आना बराबर बताया, माँ की पेट में बच्चा कैसे रहता है, टांग नीचा और सर ऊंचा करके, और उसको ऊपर में एक छोटा सा कवर है, पहले तो कवर भी नहीं होता है, पहले तो मांस जैसे होता है, चमड़ा भी नहीं होता, और उसमें जब पेट में बच्चा आता है, माता को चटपटी नमकीन मसाला मिर्च ये सब अच्छी लगती है, फिर वो बच्चे को शरीर में बड़े कष्ट देता है, कीड़े भी काटते हैं, कोई कोई बच्चा तो गर्भ में जन्म गर्भ से ही प्रलंब नष्ट हो जाता है, हैं नष्ट हो जाता है। जैसे मानो आपको एक गटर में, गटर जानते हैं जिसमें टाटी पेशाब बहती है, अब गटर में एक दिन तक रख दिया जाए, कितना आराम लग गया होता हो, 10 मिनट में खत्म हो जाओगे, लेकिन ये बच्चा माँ के पेट में एक तरह टाटी पेशाब और क्या पेट में बताओ, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं पेट में, उसमें कितना दिन तक बच्चा रहता है, 9 महीना तक 10 महीना तक बच्चा रहता है, हैं
इसने इतने कष्ट भोग करता है, इतने कष्ट भोग करता है, भगवान को पुकारता बोले प्रभु ये नरक से मेरे को निकाल दो, ऐसे कौन सा मैंने पाप की, ये माँ के पेट में गटर में मैंने आ गया। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे, बोले प्रभु जी मैं समझ गया संसार में कोई किसका नहीं, मैंने जो झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, अपना परिवार को मैंने मेंटेनेंस किया, वो पत्नी कहाँ, वो बच्चे कहाँ, वो परिवार कहाँ है, उसका कर्म फल तो मैं अकेला भोग कर रहा हूँ, कहाँ ये सबके सब है। इसलिए प्रभु ये मतलब का संसार झूठा संसार, एक बार मेरे को जन्म दो, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी भी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं, दिन रात उठते बैठते सोते तेरे हरि नाम करूंगा, तेरे भजन करूंगा। भगवान बोले ये बताओ ये कष्ट पा करके बोल रहे हो, फिर जन्म दे दूंगा तो भूल नहीं जाऊंगा, बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा, इतना कष्ट कभी भूल सकता हूँ, नहीं तो भजन नहीं करूंगा तो फिर माँ के पेट में आना पड़ेगा, अभी तो कृपा करके इंसान का जीवन दिया, अगले जीवन में पता नहीं कौन सा जानवर पेट जन्म में जाए, इसलिए मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान कहते देखो बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग की भी दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ना समझना फर्स्ट वार्निंग। आप लोग ध्यान लगा करके देखना जब बाल पकता है कहाँ से, देखना ये कान को पास में नजर लगा कर देखना, ये यहीं से पहले बाल यहीं से पकता है, मतलब कानों को पास मतलब क्या, पहला बैल दे दिया, क्यों माँ के पेट में क्या बोल करके आया था, भजन कर रहे ना हरिनाम करने के लिए, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय स्मार्टफोन में लगे हो, कितने समय इधर उधर को बात कर रहे हो, तो बोल करके आया था भजन करोगे, कितने माला जप कर रहे हो, इसलिए कान में पहला बैल दे दिया। लेकिन हम लोग है ना उसकी वार्निंग को नहीं सुनते हैं, अगर पहले पहले बाल पक जाएगा उसको उखाड़ देते, बोले इतना जल्दी हम बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हम कुछ नहीं हम चंगे हैं, फिर दूसरे बाल पक जाएगा ना उसको भी उखाड़ दोगे, लेकिन खिचड़ी बन जाए ना फिर मेहंदी लगा कर कलर कर देते, बोले हमारा अभी कुछ भी नहीं हुआ हमारे हैं, फिर भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आँख में कमजोरी आ जाएगा, फिर हम चश्मा पहन लेता है, बोले तीसरा बार नहीं दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, और जब दांत टूट जाते ना फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा लेते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ बार नहीं दूंगा, बोले क्या दोगे प्रभु, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी, डंडा पकड़ना शुरू कर, कमर तोड़ दूंगा, हाथ प्यार तोड़ दूंगा, कहते एक एक वार्निंग भगवान देते हैं, बोले भैया आप ठीक थी, पंचमा वार्निंग नहीं दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा, कहते एक एक वार्निंग है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, देखे है कि नहीं, आप देख लेना जब कंधे पर ले जाते हैं तो उसका हाथ पैर को अर्थी में बांध देते हैं, लेकिन सर को पास में एक तकिया लगा देते हैं, देखे कि नहीं, तकिया लगा देते हैं, और जो उसको ले जाते हैं क्या बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते हैं ना उसको, किसको सुनाते हैं, जो ऊपर लेटा हुआ उसको सुनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जाता है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किए हो तुमने झूठे में बिताया, पत्नी चाहे कितनी रो रो कर दरवाजे तक आएगी तेरे साथ नहीं आएंगे, परिवार आएंगे तो शमशान तक, उसको आगे कोई तेरे साथ देने वाले नहीं, इसलिए उसको कहते बोले भैया जिंदगी भर तक राम कृष्ण का नाम नहीं लिया, अंतिम समय तक एक बार ले राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, हम लोग नजर लगा कर देखना, उसका हाथ पैर तो बंधा हुआ, सर को तो बांधते नहीं, तकिया पर रख देते, उसका जो सर है ना उसको बोलते भाई राम नाम सत्य है राम नाम कर, लेकिन उसका देखना सर है ना ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, बोले भैया एक बार राम का नाम, बोले नहीं अभी राम का नाम नहीं लूंगा, अभी भी राम का नाम कृष्ण नाम नहीं लूंगा, बोले चलो अभी दिखा दे, फिर चिता को बल लेटा देते हैं, लेटा करके फिर क्या करते हैं, लास्ट में उसकी मुखाग्नि देते हैं, मुंह में बेटा आग लेता है, क्यों आग लेता है बेटा मुंह में, आपको पता है रहस्य, कहते भगवान तुम्हें जो मानव शरीर क्यों दिया था, भजन के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए दिया था, लेकिन तुमने ये मुंह पाकर ठाकुर का नाम नहीं किया इसलिए तेरे मुंह में आग है, इसलिए बच्चा उसका मुंह में आग देता है, लेकिन ये हमारी भक्ति जगह तुम ना मुंह में आग नहीं देते, जानते हो कहाँ आग देते, चरण
बोले चरण में क्यों देते हैं? बोले जो अग्नि एक देवता है, बोले जो व्यक्ति भगवान की भजन किया जिंदगी भर, ये अग्नि भी उसकी चरण की पूजा करता है, इसलिए हमारे भक्ति जगत में उनकी चरण में आग देते हैं, मतलब अग्नि उसकी चरण की पूजा करता है, हैं? इसलिए आप लोगों भी क्या करना, शिवन पात्र को भजन करना। हम भगवान से यही वायदा करके आए ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए, इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई माताएं पूरा मुंह बंद करके रखी, जोर से बोलो हमारे साथ में, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी को बोले, बोले मैं माया को हटा देता हूँ, तुम आ जाओ बेटा, बोले आप नहीं हटा सकते हो, भगवान कृष्ण ही हटा सकते हो मायापति। जब भगवान आकर के माया को हटाए, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन अभी उनकी उपनयन भी संस्कार नहीं हुई, बस संन्यास लेकर जा रहे, नाड़ी चंद्र भी नहीं मिलती, संन्यास लेकर जा रहे थे। व्यास देव पीछे पीछे हा पुत्र बोल करके पीछे पीछे जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन लता पता उनसे प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र, मतलब कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, जगत झूठा कोई किसकी नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, मेरे जो गुरुदेव है, ये लता पताओं में भी मेरे गुरुदेव का विद्यमान है। इसलिए जब मेरे गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। और ये सुतो सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न की है, इसका उत्तर मैं दे पाऊं, तो उन्होंने अपना गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया। आप लोगों को बताओ पहला प्रश्न क्या था, कौन वाले का हाथ उठा? अभी मैंने बताया था ना छह प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये करोड़ रुपया के प्रश्न है, देखा इसका उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी सुतो गोस्वामी इसकी उत्तर देते हैं, बोले सबई पुरुषांग परो धर्म जत भक्ति रथोस्य जे आहाय तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को संप्रसिद्धति, संप्रसिद्धति मतलब जैसे देखना संसार में थोड़ी समय के लिए तो कोई सुख आती है, फिर देखना वो सुख कहीं चली जाती है, कहीं चली जाती है, फिर सुख गायब हो जाती है। इनका उत्तर है आत्मा को सम्यक रूप में आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मतलब एक बार शांति मिलने का बाद कभी जीवन में दुख नहीं आए, बोले कैसे, बोले तब भी आत्मा को शांति मिलेगी। बोले सबई पुरुषांग परो धर्म, ये पुरुष मात्र का ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या धर्म है? भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही ये जीव का एक ही धर्म है। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश, हम भगवान के बच्चे हैं। जब भगवान के बच्चे, हमारा क्या कर्तव्य? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, उनकी प्रेम करना, उनकी सेवा पूजा करना। जैसे हनुमत लाल जी दिन भर क्या करते हैं? राम की सेवा ही करते हैं, राम का नाम ही लेते हैं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तुलसीदास जी क्या करते हैं? राम के नाम लेते हैं, राम की भक्ति करते, देखो आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते हैं तभी ये आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगा जब ये जीव भगवान की शरण में जाएगा, ठाकुर जी की शरण में जब जाएगा। आप लोग बोलोगे भैया हम तो सब ठाकुर की शरण में है, सबके सब ठाकुर जी का तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बताए भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए भक्ति। तो उन्होंने बोले दो तरह का उन्होंने उदाहरण दिया। पहला भक्ति है, भक्ति में कोई कामना बसना नहीं हो, भक्ति तुम्हारी निष्काम भक्ति होनी चाहिए, हैं? भक्ति हमारी कोई अन्य विलासिता शून्य,
कोई अभिलाषा नहीं होती है। लेकिन देखो हमारी भक्ति कैसे, जैसे ठाकुर जी को दरबार में हम जाते हैं, देखना 10 रुपया की कोई फल ले जाएंगे, नहीं तो 10 रुपया की कोई फूल की माला लेकर के ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। लेकिन एक पर्ची रहता है, जानते हो पर्ची कितना रुपया की? कम से कम 10 करोड़ की होगी। वो पर्ची कितना की होगी? 10 करोड़ की वो पर्ची होगी। मतलब क्या है? ठाकुर जी इसलिए आप 10 रुपया की माला चढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फूल चढ़ा रहा हूँ, हमारी घर की मकान बना दो। हमारे सामने वाला देखो कितने बढ़िया गाड़ी में घूमता है, अभी हम बाइक में हैं, हमारी बेटे का नौकरी लगा दो, बेटी की शादी करा दो, हमारी ये काम कर दो। कम से कम जो 10 करोड़ थे कम से कम हो गए, कभी ये भक्ति नहीं हुआ, ये तो हो गया ठाकुर को अपना घर का नौकर बनाना। ठाकुर जी इसलिए आपको 10 रुपया दिया, आप मेरे घर में आओ, गाड़ी बाड़ी बना दो, घर मकान बना दो, घर का सारे काम करा दो, ठाकुर को नौकर बनाना हो गया। ये भक्ति नहीं हुआ है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति आप बोलो भाई तो हम घर गृहस्थी है, हमको तो हम लोग तो धन दौलत पुत्र परिवार तो हमें चाहिए, हम थोड़ी भाई बाबा थोड़ी, हमको तो चाहिए ना दुकान दुकान चाहिए। तब यहाँ पर कहते हैं भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर सब जानते हैं, ठाकुर सब जानते हैं। जब भी भक्ति करोगे ना, ठाकुर जी सब पता तुम्हारी क्या जरूरत है, वो आपने बिना मांगे ही ठाकुर जी तुम्हें सब कुछ दे देंगे, मांगने का कोई जरूरत नहीं। जब भगवान को तुमने मांग लिया, भगवान तुम्हारे पिता बन गए, तो तुलसीदास एक उदाहरण देते हैं, बोले जिनी बालक राखे मेहतारी, मेहतारी मतलब माँ है, जैसे एक माँ बालकों को रक्षा करती है, जब हम ठाकुर जी के शरण में आ जाते हैं ना, ठाकुर वैसे ही हमें रक्षा करते हैं। देखना जब तक जैसे बच्चा दिन भर खेलता कूदता है, छोटा बच्चा अगर सो जाएगा बिना खाए पिए, जब तक बच्चा नहीं खाएगा मैया खा लेगी मैया नहीं, जब तक उसको उठा उठा करके खिला नहीं देगी ना, माँ कभी खा नहीं सकती है। जब हम ठाकुर के शरण में आ जाएंगे ना, देखो कृष्ण गीता में कितने बड़े प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, गीता के श्लोक है, भगवान कहते हैं बोले अनन्नस चिंतयन्तम् ये जना परिजुपासते तेसां नित्याभिजुक्तानां जो वात्सयं वहामि हम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो अनन्य रूप में एकांत रूप में मेरे शरण को छोड़ गया और किसकी शरण में नहीं गया, जो एकांत रूप में भजन करता है उसके लिए मैं 2 काम करता हूँ। बोले पहला काम किया, बोले घर में जो चीज नहीं होगा मैं सर पर रखकर घर में पहुंचा दूँ, इतने बड़े प्रतिज्ञा भगवान लेते हैं। उसकी घर में जो चीज होगा मैं एक दरवान बनकर उस चीज को रखवाली करता हूँ, क्यों? वो मेरे शरण में आया, रक्षा करना मेरी कर्तव्य। इसलिए भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं। नरसिंह भगत ने नाम सुने, नरसिंह भगत का नाम सुनोगे, जब उनकी बेटी की शादी हुई ना, ठाकुर जी स्वयं सांवरिया सेठ बन करके जाते हैं, ऐसे शादी क्या अरब खरब पति भी ऐसे बेटी की शादी नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी को मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर सब कुछ जानते हैं, वो बिना मांगे तुम्हारी झोली भर देंगे। इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। और दूसरे उदाहरण देते हैं, जो भक्ति है ना वो निरंतर जमी होनी चाहिए, जैसे शहद को ऐसे डाल दो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है। कहते जो भक्ति ऐसे ही कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए, निरंतर जमी भक्ति। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं सोते उठते बैठते चलते क्या करो, भगवान की नाम को लो, क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए हैं। इसलिए जब हम उनके नाम को लेते हैं, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए भगवान की
भक्ति करते रहो। कृष्णदास प्रभु जी इधर आ जाओ। इसलिए इनका जो दूसरा जो प्रश्न था, कलयुग में भगवान पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। भगवान को पता है कलयुग का जीव कोई इतना कष्ट नहीं कर सकता, इसलिए ठाकुर जी सबसे सरल ऊपर बोल दिए, बोले ज्यादा कलयुग में कष्ट करने का जरूरत नहीं, केवल कलयुग में भगवान की नाम को जप लो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कलयुग के बलना परिश्रम कर नहीं सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बता दिया है। देखो हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भगवान का नाम लेता है ना उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, जोर से बोलो। आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, देखना कल मेरे को कौन बोल पाता है। ठाकुर का नाम से क्या तीन काम हो जाते, देखो ठाकुर के नाम कितने महिमा। पहला काम है कहते जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। ये चित्रगुप्त कौन है, जीवन का सारा लेखा जोखा जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना सब लिखते हैं। इसलिए जम महाराज कहते चित्रगुप्त डायरी ले आओ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दो। बोले इसीलिए, बोले अभी ठाकुर का नाम जो कर रहा है ना अभी कभी नरेट में कभी नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले इसलिए, बोले ये व्यक्ति का नाम को चढ़ा दे, ये व्यक्ति का नाम को यहाँ पर लिख दे। बोले इसलिए, बोले हरिनाम कर रहा है ना अभी ये नरक नहीं जाएगा, सीधा मेरे धाम में, सीधा मेरे धाम में ये व्यक्ति आएगा। बोले तीसरा काम क्या, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले इसलिए, बोले ये व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना अभी ये भूर भूग मोह जन तप सत्य लोक को पार करेगा, ब्रह्मलोक को मैं उसको रास्ता में आरती उठा लूंगा। ये समझो कितने महिमा जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये नाम को कौन जप कर सकता है। बोले जने पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकता है हर समय जिसने पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक जिसने ठाकुर को सेवा पूजा करके आए, वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है।
सब जो ठाकुर का जो नाम लेते हैं वो कितने पुण्यात्मा व्यक्ति। इसलिए भगवान कलयुग में बोले जाता कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर के थोड़े से नाम जप करो, इसी से ही बड़ा था। अभी कृष्णदास प्रभु जी माइक दे दो। कृष्णदास प्रभु जी अभी हरिनाम के ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, कितने महिमा है और हरिनाम करने से जीव का कितना कल्याण होता है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले सचिनंदन गौर हरि की। हाँ देखो जो कल है ना, कल मेरे जो गुरु जी है, मैं अपना गुरु जी की कल है ये तिरभाव। तिरभाव मतलब कल ही उन्होंने ये अपना संसार का लीला समाप्त करके अपना ठाकुर जी को पास में अपना नित्य धाम में कल गुरु जी गए थे। इसलिए कल यहाँ पर गुरु जी की हम सुंदर सुंदर कथा सुनेंगे, हैं गुरु जी की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे। हाँ अगर होगा तो आप सभी के लिए हम प्रसाद की व्यवस्था करें, ठीक है। कल जितने भक्त लोग आएंगे मैं प्रसाद की व्यवस्था करूँगा, सबको बुला करके कल बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाएंगे। और कल आप लोग कथा के बाद में सभी प्रसाद मांग कर जाना, ठीक है। और आप लोग एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर जाना। कितने भक्तों को लाना? अरे बोलो जी, वैसे कल बता रहा था ना, अब कल अगर किसको आप गंदे काम में लगाओ उसको पाप भोगना पड़ेगा, अगर किसको भगवान की कथा में ले आए है ना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए गुरु जी कहते थे जिसको लाओगे उसको जो भक्ति मिलेगी पुण्य मिलेगी, लाने वाला तो उसको आधा पुण्य अपने आप मिल जाएगा, गुरुदेव कहते थे। इसलिए सत्संग में किसको लाने का बड़ा महत्व है। इसलिए कल हमारे गुरु जी को भी कथा सुनेंगे और गुरु जी की हम उत्सव मनाएंगे। कृष्णदास प्रभु अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पितर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोगों का आज श्रीमद भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने जो भी कथा श्रवण की हमने कहा था सब लोग नोट करके रखना। लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो साथ बनने वाला है भूल गए, महाराज जी ने भी कुछ पूछा नहीं, लेकिन मुझे सब याद है क्योंकि मेरा मठ में भी यही कार्य रहता है। इसलिए बताओ कल तीन प्रकार के अमृत बताए थे हमने और उनका तारतम्य बताया था, कौन बताएगा उसमें किस तीन प्रकार के अमृत कौन कौन से थे और उनका क्या क्या वैशिष्ट था, एक से दूसरे की कैसे श्रेष्ठता थी। देखो यहाँ पर अधिकतर जो भक्त लोग हैं बहुत पुराने हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, कई सारे तो श्री भक्ति प्रमोद गुरु गोसाई महाराज जी से हरिनाम लिए हुए हैं, इसलिए कोई नए भक्त नहीं है जिनको की पहली बार कथाएं सुन रहे हैं, इसलिए ये सब बातें पता होनी ही चाहिए। क्योंकि गुरु जी का ये वैशिष्ट्य था कि उन्होंने सारे विश्व में अपने गृहस्थ भक्तों को भी इतना तत्वदर्शी बना दिया कि बड़े बड़े बाहर के और सन्यासी लोगों को भी इतना तत्व ज्ञान नहीं होता है जितना हमारे गुरुदेव के गृहस्थ भक्तों को। इसलिए हमारे गुरु जी का इतनी महिमा है, इसलिए हम लोगों को भी उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। अभी महाराज जी ने चलो कल का छोड़ो आज का बताओ, अभी महाराज जी ने मंगलाचरण बताए, तीन प्रकार के कौन से मंगलाचरण होते,
नोटबुक पेन लेकर के बैठना चाहिए। देखो हम लोग स्कूल में जाते हैं कभी खाली हाथ ऐसे उठा करके चले जाते हैं क्या, ना हाथ में कॉपी है ना पेन है, बस गए स्कूल में और जाकर के बैठ गए। टीचर क्या करेगा, या तो मुर्गा बना देगा या कान पकड़ कर पिटाई करेगा। तो ये बात बहुत समझने वाली बात, इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमको वो जो पढ़ाई है उसका मूल्य पता है। क्या मूल्य पता है कि इससे हमको पैसा कमा लेंगे, वो भी एक साल में नहीं, 15 साल तक पढ़ाई करोगे उसके बाद में कोई नौकरी मिलेगी, उसमें से 1-2 लाख रुपया महीना सैलरी मिल जाएगी, उसकी कीमत पता है। उसके लिए 15 साल तक हमने मेहनत किया, पेन कॉपी लेकर के बैठते हैं, फिर घर आके रिवीजन करते हैं, फिर अगले दिन क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछते हैं, नहीं समझ में आता है दोस्तों से पूछते हैं, लगे ही रहते हैं उसको समझने के लिए जब तक वो समझ में ना आ जाए। किंतु यहाँ पर आए बैठे और चले गए, समझा नहीं समझा उससे कोई मतलब ही नहीं, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे। ये जितनी शास्त्र की बातें हैं भागवत की, ये गलत नहीं है। जैसा कि हमने आज जो हाउस प्रोग्राम हुआ था उसमें भी बताया था, भगवान के नाम की महिमा गलत नहीं है, तुम्हारे प्रोसेस में गलती है। अगर वो प्रोसेस फॉलो करते हो, जैसे कि स्टूडेंट फॉलो करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, फॉलो करता है, हर चीज को समझने के लिए चेष्टा करता है, उसी प्रकार से भक्ति में करोगे तब वो नाम की महिमा दिखाई देगी। बहुत सारे लोग नाम ले लेते हैं फिर कहते हैं हमको तो कुछ लग नहीं रहा है, लगेगा कहां से, प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे तो कहां से लगेगा। प्रोसेस तो हर चीज के लिए है ना, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए भी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब फॉलो करोगे तब वो सारी चीजें जो शास्त्र में लिखी हुई है वो एज इट इज दिखाई देगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं भक्ति में, वो कोई ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल नहीं है कि उन्होंने बस कुछ जगत में अभाव था इसलिए छोड़ करके चले आए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडोब में काम करते हैं, लोगों की ड्रीम कंपनी होती है एडोब। हमारे मठ में IIT से MTech, नासा के साइंटिस्ट, ऐसे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं। हर प्रभु जो हरिकथा बोल रहे हैं करके, वो तो 15 साल पहले 1 लाख रुपया की नौकरी छोड़ करके जय किया था प्रभु जी। तो इस प्रकार से वो सब क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने बस बोला अरे नाम कितनी महिमा है तो हमने कहा चलो 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 नाम करो। हमने उस प्रोसेस को समझा, जैसा बताया गया उसको देखा, फिर उस प्रोसेस को फॉलो किया। जब फॉलो किया तो वो रिजल्ट एज इट इज दिखाई दिया। जब एज इट इज रिजल्ट दिखाई दिया तब हमने कहा हाँ ये वास्तव वस्तु है। तो इसलिए ये बातों को समझना चाहिए कि ये कोई ऐसे काल्पनिक चीजें नहीं है, और जब काल्पनिक नहीं है वास्तविक है, तो वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर हमको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कुछ उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। केवल बैठ करके ABCD की बच्चा केवल कान में बैठ करके सुनने से नहीं पढ़ता, उसको माता जी फिर लिखवाती है, गलत लिखता है, 1 को टेढ़ा बना दिया तो 2 पिटाई लगती है, उसके बाद कहते फिर ऐसे बना, ऐसे 10 बार ए बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करता है। और हम साक्षात जो कृष्ण का नाम है, जो स्वयं कृष्ण ही है, उसके लिए क्या हम सोचते बस कान में ऐसे सुन लेंगे और घर चले जाएंगे और भूल जाएंगे और उससे हो जाएगा क्या? इस बात को समझना पड़ेगा, इसके लिए उसे वहां भी चेष्टा करनी पड़ेगी। किंतु सबसे बड़ी बात क्या है भक्ति में, अभी महाराज जी बता रहे थे कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि और भक्ति का जब विचार करेंगे, देखो हमने भी पढ़ाई करी जैसे महाराज जी ने बताया, कितना कितना पैसा देकर के हम पढ़ाई करते हैं, तब टीचर जाकर के पढ़ाता है और डिग्री मिलती है, अपना पैसा दिया, अपनी एनर्जी दी, सब कुछ अपना दिया, तब एक कागज का टुकड़ा मिला। लेकिन भक्ति में देखो यहाँ पर वैष्णव लोग कितनी चेष्टा कर रहे हैं, आपने क्या किया, वहां से चल करके हमारे कष्ट सह करके यहाँ पर सुबेरे से लेकर के 4 बजे लगते हैं, 4 बजे लगकर पहले अपना हरिनाम करना है, फिर 6:30 बजे मंगल आरती करनी है, उसके बाद में फिर हाउस प्रोग्राम करना है, कथा करनी है, फिर शाम को फिर भागवत है, कितनी चेष्टा करने विचार किया, और हम उनकी बात को ठीक से सुन भी नहीं रहे, और फिर सोचते हैं कि हमको वो सारी चीजें दिख रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे मान लें, मानोगे कैसे, जब उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, मानने की जरूरत ही नहीं है।
आपने कैसे मान लिया कि पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करके इंजीनियर बनता है, पढ़ाई करके आईएएस बनता है, कैसे मान लिया? खाली ऐसे क्वेश्चन पूछने से हो गया क्या? बहुत पढ़ाई करी है तब जाकर के माना, हाँ ऐसे होता है, सब पता चला। उसी प्रकार से भक्ति में देखो, सारी चेष्टाएं उनकी है और हमको बैठ करके थोड़ा बहुत उसमें केवल मात्र सिंसियर रहना है, उसी से वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो संसार में लाखों और करोड़ों रुपया देकर भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसको अच्छे से समझना चाहिए। भागवत क्या है? भागवत में अभी बोला महाराज जी ने, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुश्रूषुभि तत्क्षणात्। केवल जो श्रवण मात्र करने की इच्छा करता है उसके हृदय में कृष्ण आकर के विराजमान हो जाते हैं। अगर हमको कृष्ण को हृदय में विराजमान करने की इच्छा होती तो हम महाराज से प्रश्न पूछते कि हमने तो सुनने की इच्छा की, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, आपने तो बोला। तब महाराज जी बताते फिर और आगे कि इसमें और भी कुछ चीजें हैं, क्या तुम्हारी वास्तव में सुनने की इच्छा है? क्योंकि जिसकी सुनने की इच्छा होती है उसके लक्षण भी अलग होते हैं। जैसे भी बताया, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने की इच्छा होती है, उसके लक्षण भी अलग होते हैं, और कुछ केवल घूमने के लिए चले जाते हैं, उनके लक्षण भी अलग होते हैं। तो कौन वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, कौन नहीं प्राप्त करना चाहता, उनके लक्षणों में बड़ा भेद होता है। जो प्राप्त करना चाहता है वो दिखाई, उसको ही दिखाई देगा कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं, नाम से एक प्रभाव पड़ रहा है, हृदय के कुछ संस्कार खत्म हो रहे हैं, ये प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन किसको दिखाई देगा? जो उसको देखना चाहता है। नहीं तो भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। अनंत कोटि देवता उनके सिर पर, उनके जो चौकट है उस पर माथा लगा करके खड़े रहते हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि, ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि, वो सब वहां पर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मर्त्य स्तुवन्ते दिव्ये, दिव्य स्तुतियां करते रहते, प्रभु जी थोड़े प्रसन्न हो जाओ। भगवान कहते छोटा हमको जरूरत नहीं तुम्हारी, फिर हमको क्यों करेंगे, हमको दर्शन क्यों देंगे, हमको वो प्रभाव क्यों दिखाई। लेकिन हम अगर उनको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो जरूर करेंगे। इसलिए महाराज जी ने भी बताया, तीन मंगलाचरण श्लोक बताए। बताओ तीन मंगलाचरण श्लोक कौन से, कौन कौन से तीन प्रकार के मंगलाचरण होते? देखो ध्यान से सुन, पहला मंगलाचरण होता है, कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ होता है, पहला मंगलाचरण होता है अपने इष्ट देव को प्रणाम किया जाता है। महाराज जी ने कितना सुंदर व्याख्या की, सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे सत्य वस्तु है, मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं किंतु सुन नहीं रहे, बैठे हैं। हम तो बहुत वहां पर पीछे थे रूम के अंदर में, लेकिन सुन रहे थे, इसलिए वो जो कुछ भी बात बोल रहे वो हमको पता है। ऐसा नहीं कि रो रो सुनते इसलिए याद है, ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम वो जानना चाहते हैं वास्तव में, इसलिए ध्यान से सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोला। अगर वो चीज समझ में नहीं आई तो बाद में पूछते, विचार करते हैं, महाराज जी ऐसा क्या है, इसका क्या कारण है, ये शास्त्र में ऐसे लिखा है किंतु होता नहीं। जैसे कल ही हमने एक प्रश्न का बताया था कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस, ये रस जो है वो तो स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। तुरंत प्रश्न आना चाहिए मन में, वैकुंठ में क्यों नहीं है, किसी ने पूछा ही वैकुंठ में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तो भगवान स्वयं रहते हैं, फिर ऐसा क्यों बोला इसे श्लोक में, कभी विचार किया? ये उस व्यक्ति के लक्षण है जो प्राप्त करना चाहता है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए फिर आप लोग बाद में 7 दिन बाद जाकर के कहोगे हमने तो 7 दिन भागवत सुना है कुछ भी नहीं हुआ, कहां से हो जाएगा भाई, तुम तो भागवत सुन ही नहीं रहे थे, तुम तो बैठे हुए थे। श्रवण का मतलब होता है क्या, ये हम लोग पढ़ाई में भी देखते थे, यहाँ भी वही चीज है। श्रवण तीन चीजों को मिलाकर के बनता है, यद्यपि महाराज जी का आदेश कुछ और था, किंतु ये बातें बड़ी जरूरी है। श्रवण तीन चीजों को मिलाकर के बनता है। पहला ठीक से ध्यान पूर्वक सुनना, अगर आधी बात सुनी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ का कुछ और ही समझ लोगे। फिर दूसरा होता है उसको हृदय में धारण करना, अर्थात स्मरण रखना। हमारी स्मरण शक्ति तो बहुत छीन है, सुनने के साथ ही साथ भूल जाते हैं। जैसे अभी तीन मंगलाचरण बताया किसी को याद नहीं, इसलिए लिख लेना चाहिए।
और लिख करके उसको बार बार देखना चाहिए, उसे हृदय में धारण हो जाए। और तीसरा होता है धारण करके आचरण करना, अर्थात अब उन वस्तुओं को अपने जीवन में उतारना। और यही चीजें हम देखते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो होता है कि नहीं, स्कूल में गए पहला श्रवण किया टीचर से सुन कर किया, दूसरा फिर आकर के लिख लिया, तीसरा फिर याद कर लिया, जब वो रिजल्ट एग्जाम देते हैं तो उसमें ये तीनों चीजें फिर दिखाई देती, श्रवण धारण और फिर उसको आचरण में जो भी उसने सीखा, तब तो वो एग्जाम में पास होता है। इसलिए हम तो श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ तो पास कहां से हो जाएंगे ये जो भक्ति वाला एग्जाम है। इसलिए पहला मंगलाचरण है, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इष्ट देव है श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की महिमा कीर्तन करने जा रहे हैं उससे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमे परम सत्य वस्तु को मैं ध्यान करता हूं। फिर द्वितीय मंगलाचरण कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें किस वस्तु को बताया गया है, इसका प्रयोजन क्या है, ये इतना बड़ा ग्रंथ इसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, इतने सारे श्लोकों में कौन सी बात को बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, वो मैथ में क्या होता है केवल मैथमेटिक्स ही होती है, फिजिक्स में केवल फिजिक्स होती है, सोशल साइंस जो बुक है उसमें वही होता है, एक नाम से ही पता है कि ये इसके अंदर ये वस्तु है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण में बता रहे कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें एक धर्म का वर्णन किया गया है, उस धर्म की बड़ी महिमा है क्योंकि वो धर्म अन्य किसी भी पुराण में वर्णन नहीं है। ये बात हमने कल थोड़ा हिंट दी थी, कोई बता सकता है कि अन्य किसी पुराण में भगवान की लीलाएं तो कृष्ण की पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी की बड़ी महिमा बताई गई है, विष्णु पुराण में भगवान की बहुत महिमा है, तो फिर कृष्ण की महिमा इसमें दी है, इसमें क्या स्पेशलिटी है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की महिमा दी गई है, इसमें क्या वैसे ऐसी विशेषता है जिसके लिए इसमें बता रहे हैं कि ये इसमें विशेष धर्म का वर्णन है। कल हमने बताया था, उसमें बताया था कि अन्य अन्य पुराणों में वो जो भगवान की लीला इत्यादि भी बताई गई है तो बताया कि उसके लिए भी कोई फल की बात बता दी गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें हैं, किंतु इसमें जो लीला का वर्णन है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात छोड़ो, जो वैकुंठ की चार प्रकार की मुक्तियां हैं उनसे भी ऊपर है ये भक्ति रस, इसमें ये धर्म की बात है, ऐसे भागवत धर्म की जो परमहंस लोगों के लिए होता है। हम लोग सोच नहीं सकते हमारा कितना सौभाग्य, ये अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, महाराज जी ने अभी कुछ देर पहले बताया था श्रोता और वक्ता, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ कोई श्रोता ही नहीं है भागवत का, किंतु वैष्णव लोग इतना अहितु की कृपा करके फिर भी हमको दे रहे हैं कि कम से कम कुछ सुकृति बनेगी, अर्थात कुछ कुछ बेस बनेगा, उसे एक दिन हम श्रोता बन जाएंगे। वास्तव में तो ये जो भागवत है ये परमहंसों की संहिता है, परमहंस लोग जो बिल्कुल संसार से एकदम विरक्त हो चुके और उनके सामने जब ये भागवत बोली जाती है उनको इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उनको जगत में फिर और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे श्री सुखदेव को स्वामी बोले जा रहे हैं, परिचय सुनते जा रहे हैं, न उन्होंने पानी मांगा, न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, न कुछ नहीं हुआ, ये परमहंसों की संहिता है। इतनी बड़ी वस्तु को हम लोग प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए और हमारी चेष्टाएं कितनी है। तो अभी वही बताया कि हमको अभी उस वस्तु का मूल्य पता नहीं है, कितनी बड़ी वस्तु है और ये क्या देने वाला है, ये स्वयं कृष्ण को देने वाला है, कृष्ण हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, यह गलत नहीं है, हमारा अनाधिकार है, हम ठीक से सुनना नहीं चाहते, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है क्लास 5th का, उसको अगर MBBS की डिग्री दे भी दी जाए तो उसका लाभ क्या है, उसको डिग्री तो दे दी जाएगी लेकिन उसका वो वैल्यू समझेगा क्या, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं उसके लिए। उसी प्रकार से भगवान अभी जानते हैं कि हमारी भगवान की क्या वैल्यू है, हमारे हमको पता ही नहीं है, इसलिए भगवान आ भी जाए तो फायदा क्या होगा, हम उनसे अपने काम ही बनवाते रहेंगे, आज मेरी बेटी की शादी करवा दो, आज मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, भगवान को अपना नौकर बना करके रखिए, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को सुनाया, 7 दिन के अंदर ही परीक्षित महाराज के हृदय में कृष्ण आकर के विराजमान हो गए और उनको गोपी भाव प्राप्त हो गया, वो भगवान के धाम को चले गए, ये बात तो झूठ नहीं, क्योंकि उनकी वैसी क्वालिफिकेशन थी। तो द्वितीय मंगलाचरण में बताया कि जो
इस वस्तु निर्देशात्मक, इसको बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक, पहला प्रणाम मूलक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा है आशीर्वाद मंगलाचरण। उसमें महाराज जी ने बताया निगम कल करोर गलितम फलम सुखमुखाद्रम सहित विभत भागवतम रसमाल मुहुरौ रसिका भूल भागता। देखो एक बात बताता हूँ, अपने अधिकार के अनुसार ही ये सब चीजें समझी जा सकती है। जैसे ये जब श्लोक बोलते हैं जिनके हृदय में कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी प्रेम हुआ है, ये श्लोक सुनने मात्र से उनके हृदय में कितना आनंद होता है आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए तो वो भूख प्यास शोक मोह क्यों नहीं लग रहा है भाई? सिंपल सी बात है, अगर हमको कोई उत्तम वस्तु की अनुभूति नहीं हुई, यानी मृत्यु से भी बढ़कर एक वस्तु की अनुभूति नहीं हुई, तो हमको मृत्यु का भय जरूर लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। एक बच्चा है उसके पास में साइकिल है, अगर उसको कार दे दिया जाए तो वो साइकिल के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। अगर उसको प्लेन दे दिया जाए तो वो कार के बारे में भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उत्तम रस की अनुभूति हुई है। इसी प्रकार से जिसको इन सब चीजों की रस की अनुभूति हो जाती है उसका वो स्वाभाविक छूट जाता है। नहीं तो जैसे अभी महाराज जी ने बताया यहाँ पर जिन लोग है ना उनके मेटीरियल सारी क्वालिफिकेशन है, उनके पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं था, मेटीरियल लाइफ में वो बहुत ऊंची अवस्था में था, कैसे छोड़ करके आ गया? क्योंकि जिस समय उत्तम रस की अनुभूति होती है, परीक्षित महाराज भूल गए कि मैं सारे भारत का सम्राट हूं, उनको एक बार मन में भी नहीं आया। इसलिए यहाँ पर कह रहे निगम कल, ये क्या है? पिबतम भागवतम रसम, ये रस का समुद्र है, किंतु हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा भी अनधिकार है, अभी दूसरी दूसरी चीजों में ही हमको रस मिल रहा है। इसलिए नहीं तो जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब ये भागवत रस का आस्वादन करता है फिर उसको किस जगत में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही कारण है कि जो लोग फिर अपना सब कुछ छोड़ करके आए उसके बाद वो वापस क्यों नहीं लौट जाते? सबके पास अभी भी डिग्री है, नौकरी अभी भी मिल जाएगी, सब कुछ है, घर परिवार में सब संपन्न है, जा सकते हैं, किंतु एक बार मन में इच्छा भी नहीं होती जाने की। जाना सोचना तो दूर की बात है, कभी मन में भी नहीं आता कि वापस जाना भी है। कारण क्या है? क्योंकि ये भागवत रस वाले है, इसमें इतना रस है, एक एक श्लोक सुनने से हृदय में इतना आनंद होता है, और उस आनंद के प्राप्ति होने के कारण जो बाकी जितने रस है, जो जड़ रस जिसके लिए संसार भाग रहा है, वो तुच्छ प्रतीत होते हैं और उसको वो मलवत परित्याग करके आगे बढ़ जाता है। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, वो एक जगह भागवत किया, वहां से उठकर के चले गए, कौन माला दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। इसलिए भाई इसको ठीक से श्रवण करो, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, इसकी वैल्यू को समझो, ये स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। और जो हरि नाम का महिमा महाराज जी ने बताया, अभी तो समय हो गया, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग थोड़ा उसके लिए चेष्टा करो, क्योंकि थोड़ी चेष्टा से भी इतनी बड़ी वस्तु मिल जाएगी। हमने पढ़ाई के लिए बहुत चेष्टाएं करी है तब जाकर के मिली, वो यहाँ पर इतनी चेष्टा नहीं करनी, सारी चेष्टाएं साधु ही कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा सिंसियर तो हो जाओ, उसको प्राप्त करने के लिए उत्कंठा तो दिखाओ, तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी, तब ये चीजें समझ में भी आएगी और आनंद होगा वही जो शास्त्र में लिखा हुआ है। अन्यथा इसको बस ऐसे ही मिथ्या समझते रहोगे, सारी जितनी काल्पनिक चीजें हैं किसी ने ऐसी लिख दी जैसे नॉवेल लिखे जाते हैं, और चले जाओगे कोई लाभ भी नहीं होगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च पिपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवगुरुभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब
सबसे पहले गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री भक्ति वेदांत श्री गुरुवत्सल गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग गुरुपानुभव गुरु पाद पद्म पूज्यपाद कृष्णराज प्रभु समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद समस्त चरण राधा यथा गुरु दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद भागवतम के जो सूत गोस्वामी को पूछे गए सनकादि गोस्वामी लोग पूछे कि छह प्रश्न पूछे उनको श्रवण कर रहे थे। तो सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि आत्मा को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है, तो उसका उत्तर गुरुदेव ने बता दिया। तो उसके और एक प्रश्न में पूछते हैं कि हमें कृपा करके भगवान के अन्य अवतारों का भी महिमा बताइए, भगवान ने कौन से समय पे किस अवतार ग्रहण किया इसके महिमा भी बताइए। तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए इस योग योग में क्या करते हैं, न साधु संत को रक्षा करने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवत जी में श्री सूत गोस्वामी सृष्टि के वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जिस समय भगवान का इच्छा हुआ कि मैं सृष्टि करूं, अब भगवान ने सबसे पहले भगवान के हृदय से ही कारणतकसाई विष्णु उत्पन्न हुए। अब जो कारणतकसाई विष्णु है, हम लोग सुनते हैं एक ही विष्णु के बारे में, लेकिन भागवत जी में ये तीन विष्णु के बारे में बता रहे। तो इसको विशेष ध्यान देके सुनने वाले बात है कि तीन विष्णु कौन कौन है। तो बोलने की कारण तकसाय विष्णु जिनके शरीर से जिनके अनंत कोटि लोग मूल से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सृष्टि होता है। तो बोल रहे हैं कि कारण तकसाय विष्णु से फिर गर्भ तकसाय विष्णु हुए, और गर्भ तकसाई विष्णु इनके जो नाभि कमल नाभि से जो कमल निकला वहां से फिर ब्रह्मा सृष्टि होते हैं, और क्षीरोदकसाई विष्णु जो हम सबके हृदय में साक्षी रूप में विराजमान करते हैं। तो ये तीन विष्णु क्या करते हैं सृष्टि के कार्य में, इनका सबसे बड़ा कार्य है कारण तकसाई विष्णु, गर्भ तकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। तो बोले गर्भ तकसाई विष्णु के नाभि और कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, और ब्रह्मा जैसे ही बहुत साल के बाद ब्रह्मा का ज्ञान हुआ तब वो सोचने लगे कि मैं कहाँ से सृष्टि हुआ हूँ। तब उनको भगवत निर्देश हुआ और तपस्या करने के लिए निर्देश हुआ, और भगवान ने वहाँ पे चार श्लोक के द्वारा भगवान ने उनको पूरा महिमा बताया जिसको चतुर्श्लोक भागवत बोलते हैं। और चार श्लोक के बाद ब्रह्मा का ब्रह्म ज्ञान हुआ, फिर ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को प्रेरणा हुआ भगवत इच्छा से, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। सबसे पहले भगवान का सबसे पहला अवतार ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया ये चतुसन सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चतुसन को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि किया। बोले ये सबसे पहला भगवान का अवतार है। तो ये चार जो सनक जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनका आयु है 5 साल से ये कभी ऊपर नहीं उठता और ना ही कभी वृद्ध होते हैं, छोटे छोटे बालक के स्वरूप में। ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि तुम लोग सृष्टि करो, लेकिन इन्होंने बोला हम तो केवल भगवान के भजन करने के लिए इस जगत में आए, हम विषय के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तब वहां पे ब्रह्मा जी के ही दूसरे जो सृष्टि में वो नहीं चतुसन का महिमा बता रहे हैं कि इनका जो हर समय निरंतर मई भगवान की सेवा करते हैं, किस प्रकार ना कोई बोलते हैं तो तीन लोग कथा श्रवण करते हैं, तो कोई सनक बोलते हैं तो बाकी सारे भाई मिलके कथा श्रवण करते हैं, तो एक वक्ता बन जाता है तो बाकी सब श्रोता बन जाते हैं। तो सबके सब इस प्रकार भगवान के नाम भगवान के गुण भगवान के महिमा हर समय कीर्तन करते रहते हैं। तब जिस समय ये द्वितीय अवतार के बारे में बता रहे हैं, जिस समय ये पृथ्वी रसातल में चला गया था उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से ही ये भगवान वराहदेव प्रकट हो गए, एक मच्छर के स्वरूप में भगवान धीरे प्रकट हुए और देखते देखते पूरा विराट स्वरूप धारण किया और पृथ्वी को जाके उद्धार करके हिरण्याक्ष को बद्ध किया। बोल वराहदेव भगवान की जय। और वराहदेव ने हिरण्याक्ष को उद्धार तो किया और पृथ्वी को अपने दांत के अग्रभाग से उठा करके फिर अपने स्थान पर स्थापन कर दिया। और भगवान के तीसरे अवतार है बोले ये नारद जी, ये नारद जी भगवान के ये तीसरे अवतार है। बता रहे ये नारद जी का बड़ा भारी महिमा है, ये नारद जी
जिस समय ये वेद व्यास जी को बड़े असंतोष हो गया, 17 पुराण रचना के सारे ग्रंथ रचना करने के बाद वेद व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष प्रकाश हुआ, तब उसी समय ये नारद जी उनके भगवत इच्छा से वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आप अभी तक जो अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष अन्य अन्य पुराण में इसका महिमा बता रखे हैं, लेकिन जो कृष्ण लीला है वो आप अभी जो मधुरमयी लीला है जिसमें वात्सल्य प्रेम, जिसमें माधुर्य प्रेम है और सर्वोत्कृष्ट प्रेम जो गोपियों का भाव, जो राधा रानियों का भाव, ये आपने अभी तक लिखा नहीं, तो इसको आप क्या करो ना श्रीमद भागवतम के ग्रंथ में इसको लिखो। तब नारद जी ही अपने पूर्व जन्म के चरित्र को कथा श्रवण करते हैं कि देखो मेरे ऊपर भी, मैं पूर्व जन्म में एक राजा का दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और दासी पुत्र बन के मैं हर समय क्या करता था कि किसी समय में, एक समय राजा जी के यहाँ पे कोई संत लोग आए और चातुर्मासा के समय था और मेरे माँ उनके बड़ा सेवा करती थी और उस समय में उन्हीं संतों का सेवा किया, उनके चरणागमन लिया और उनके उच्चिष्ट खाया और उनके ही कृपा से संत लोग मुझे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मुझे नाम प्रदान किए। और भगवत इच्छा से भगवान चाहते हैं ना, कोई अगर भगवान के भजन करना चाहे तो उसके सारे विषय धीरे धीरे छुटा देते हैं। तो भगवत इच्छा से ही एक दिन मेरे मैया बहुत दुख कर रही थी और गाय दूधते दूधते उसको सांप ने काट के वो परलोक पर चले गए और उसी प्रकार में भगवान के भजन करने के लिए वन में निकल गया। मेरा आयु उस समय 5 साल का था, ये नारद जी बता रहे, मेरा आयु 5 साल का था और मैंने उन संतों का प्रदत्त मंत्र को जप किया और जप करते 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 अचानक से मेरे सामने भगवान का कोई एक झलक प्रकाशित हुआ, लेकिन झलक तो मिला लेकिन मैं इस प्रकार का तड़प गया कि भगवान का दर्शन करने करने में बहुत ध्यान करने लगा। तब उसी समय पे मेरे जो देहादि ज्ञान वो छूट गया और मेरे जो भौतिक शरीर वो नष्ट हो गया और मैं क्या गया ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के नारद के रूप में मैं जगत में प्रकट हुआ। तो हे वेद व्यास जी, आप भी क्या करो ना, संत की कृपा और के आशीर्वाद प्रसन्न करके आप श्रीमद भागवतम को लिखो। तो भगवान के जो तीसरा अवतार बता रहे ये नारद जी, भगवान के जो चौथा अवतार कौन है, बोले ये नर और नारायण। नर और नारायण ये हर समय बद्री का आश्रम में तपस्या करते हैं। बोले नर और नारायण का एक महिमा आता है कि बोल रहे हैं जिस समय ये शत सहस्री कवच दैत्य, एक दैत्य था जिसका 100 कवच था और 100 कुंडल था, तो बोल रहे हैं कि उसने वरदान प्राप्त कर रखा था कि अगर कोई उसके साथ अगर युद्ध करेगा, युद्ध करते करते अगर 100 साल हो जाएगा, 100 साल होने के बाद वो कवच टूट जाएगा, कवच तो टूट जाएगा लेकिन जो युद्ध कर रहा है वो मर जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तब भगवान ने जिस समय पे बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो ये शत सहस्री कवच दैत्य ये ब्रह्मा शिव जी आदि देवता के पास जाते हैं, जाके बोलता है कि मुझसे युद्ध करो। अब उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनको बोल दे कि बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां पे कोई तुम्हारे लिए वहां पे युद्ध करने के लिए कोई है। तब उसी समय ये शत सहस्री कवच दैत्य वहां पे बद्रिकाश्रम जाते हैं, वहां पे भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। तो सबसे पहले बार भगवान नारायण ने युद्ध किया और नर ने तपस्या किया और जितने बार युद्ध करते करते 100 साल हो गया, दैत्य का एक कवच टूट गया और भगवत जो जिस प्रकार का वरदान था, वरदान के अनुसार नारायण ने वहां पे मूर्छित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो नर का जितने भी तपस्या का बल था उन्होंने नारायण को प्रदान कर दिया, फिर नर युद्ध करने लगे। तो इस प्रकार युद्ध करते 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 तो 99 कवच को उन्होंने तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया उसने सोचा कि मुझे अभी क्या होगा, ये निश्चित रूप में एक कवच तो बचा है, एक कवच को तोड़ ही देंगे। तब उसने सूर्य देव के पास पुनः चला जाता है, सूर्य से ही वरदान प्राप्त किया था। फिर बाद में वही सूर्य पुत्र कुंती के जो मानस के कुंती जिस प्रकार स्तुति किया था दुर्वासा ऋषि के मंत्र से, फिर वही कर्ण के रूप में आते हैं और इस बार मारने का पारी था वो अर्जुन का। ये अर्जुन और कृष्ण कोई नहीं है, ये नर और स्वयं नारायण है। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार मारने का पारी अर्जुन का था तो अर्जुन ने फिर उनको मार दिया। तो इसी प्रकार से भगवान नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते थे। जिस समय नारायण तपस्या करते थे तो वहां पे
जैसे कि महालक्ष्मी देखे कि नारायण चले कहाँ गए, बैकुंठ खाली खाली है, तो जाके देखे कि ये हिमालय के ऊपर बर्फ में बैठ के ये नारायण तपस्या कर रही है। तो उसी समय महालक्ष्मी देखे कि प्रभु का इस प्रकार का दशा को देख के महालक्ष्मी उनके पीछे एक बड़े पेड़ का वृक्ष हो गए, बड़े पेड़ का वृक्ष हो गए। और भगवान ने देखे कि बर्फ नहीं गिर रहा है, चक्कर क्या है, ऊपर देखते हैं तो बेर का वृक्ष है, तो ध्यान लगाते हैं स्वयं लक्ष्मी जी हैं ऊपर खड़े। तो बोल रहे जो बद्री, बद्री यानी बेर, तो उसी के हिसाब से लक्ष्मी वहां पे बद्री विराट बेर के रूप से धारण करके वहां पे नारायण जी को एक छत्र प्रदान किया था, इसलिए उनका एक नाम है बद्री नारायण। बोल बद्री नारायण भगवान की जय। फिर पुनः भगवान के और आगे अवतार होता है कपिल देव। उन्होंने देवहूति अपने माता को बड़े सुंदर सुंदर रूप में शिक्षा दिया और भजन के आदर्श बताया। उसके बाद ऋषभ देव पृथु महाराज इनका अवतार होता है। फिर उसके पश्चात मत्स्य अवतार होता है। भगवान ने मीन रूप धारण किया और धारण करके चार वेद को उद्धार किया। और उसके पश्चात जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय भगवान ने फिर पुनः चार अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन हो रहा था तो मद्राचल को लाने के लिए भगवान ने हरि रूप धारण किया और हरि रूप धारण करके बाएं हाथ से मद्राचल को लेके समुद्र के बीच में स्थापन कर दिया। अब जैसे ही समुद्र मंथन हो रहा था तो मद्राचल का जैसे स्थिति वो बिगड़ने लगा, तब भगवान ने पुनः कूर्म रूप धारण किया। खितिरियतिष्ट बहु नहीं करे, अर्थात भगवान के जो पृष्ठ के ऊपर स्वयं भगवान ने किया कि ना ये मद्राचल को धारण करे और उसको मद्राचल को ऊपर उठा दिया। तो भगवान का और एक अवतार क्या है, न कूर्म अवतार, बोलो कूर्म अवतार भगवान की जय। फिर कूर्म रूप धारण करने के बाद फिर भगवान ने धन्वंतरी रूप धारण किया और अमृत को लाके देते हैं। फिर उसके पश्चात भगवान ने पुनः मोहिनी रूप को धारण किया और मोहिनी रूप को धारण करके सारे देवताओं को अमृत पान कराया। इसके पश्चात भगवान वामन देव रूप धारण किए और वामन देव रूप धारण करके बलि महाराज जी को सुतल लोक का राजा बनाया। और उसके पश्चात भगवान ने परशुराम राम कृष्ण नरसिंह देव अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद महाराज जी को कृपा प्रदान किया। उसके पश्चात इस प्रकार अवतार का वर्णन करते 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 24 अवतार का वर्णन कर दिया। श्री व्यास जी ने जैसे 24 अवतार का वर्णन कर देते हैं उनको बीच में याद आता है, आंख खोलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने अवतार के जो समूह लिस्ट है ये लिस्ट में कृष्ण का नाम भी बता दिया। अब कृष्ण कौन है, सारे अवतार का ये अवतार ही है, कृष्ण से ही सारे अवतार निकले हैं। जयदेव गोस्वामी बात कहते हैं ना, केशव धृत मीन शरीर, केशव धूत नर हरि रूप, केशव धृत वामन रूप, तो केशव से ही ये सारे अवतार प्रकटित हुए हैं। ये अन्य जितने भी अवतार ये कृष्ण के एक कला के स्वरूप शक्ति के स्वरूप में प्रकाशित हुए हैं। तब वहाँ पे उन्होंने पुनः एक श्लोक को बोला कि तेजाम सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, कि एते जान सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान सम, मैंने अभी जितने भी अवतार बताया ये सब कृष्ण के केवल कला स्वरूप है, लेकिन जो मूल कौन है ना, केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, कृष्ण ही साक्षात परमात्मा परम ब्रह्मा है और कृष्ण से ही ये सारे अवतार समूह निकले हैं। इस प्रकार जो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के अवतार समूह को वर्णन करो, तो उन्होंने इसी प्रकार अवतार समूह का वर्णन किया था। यही तक नंद के लाला की जय। आरती आरती के लिए ना आरती तैयार किया। हुए काली सेवा के रूप में नाचते हुए गाते हुए ठाकुर जी हो जाएंगे। और जब उसी
सभी खड़े हो जाएंगे, और तीन साढ़े तीन घंटे उठे सभी सब खड़े हो जाएंगे। देखो